हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमें पढ़ना है क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये फिजिक्स का एक चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे दो बेसिक बात आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर अगर लाइट फॉल करता है तो वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये पेन है, तो ये पेन आपको दिख क्यों रहा है? क्योंकि क्या तो सन से या फिर कोई बल्ब से लाइट आ रहा है और लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आँखों की तरफ जा रहा है, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। समझ रहे बात का गहराई? ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझिए और इसी पे पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है बाइस्फेरिकल मिरर, और दूसरा चीज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, इसमें हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे और दोनों का ही एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। आज का पार्ट वन में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन, और पार्ट टू में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे हम लोग कॉपी पेन से पढ़ेंगे, थोड़ा समझने में आसानी होगा क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और थोड़ा मोड़ा नॉइज़ होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा। इसका यहाँ पे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बार डायग्राम बना के इसको समझ लेते हैं ज़रा। यहाँ पे मान लीजिए एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहाँ से मान लीजिए एक नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है इस पर। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन है, और यहाँ से आया आपका इंसिडेंट रे, और यहाँ पे टकरा के रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से निकल गया। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। बहुत बच्चों को ये सब पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए, और इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये हो गया आपका नॉर्मल। तो ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। तो पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, मतलब तीनों रे, इंसिडेंट रे भी, नॉर्मल भी और रिफ्लेक्टेड रे भी, ये तीनों ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब इसका मतलब क्या है सेम प्लेन का, देखिए ये जो एक पेज है ये एक प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि ये टकरा के ऐसा ऊपर की तरफ आ गया स्क्रीन की तरफ, ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये है आपका नॉर्मल। ठीक है, ये पेन, और ये आपका है ब्लैक वाला इंसिडेंट रे। तो यहाँ से आया, यहाँ पे टकराया, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे जाएगा, मतलब ये तीनों जो है एक प्लेन पे आएगा। ठीक है, समझ रहे? ऐसा नहीं है कि यहाँ से टकरा के ये ऐसे ऊपर की तरफ आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये एक प्लेन नहीं हुआ, तीनों रे एक प्लेन में नहीं हुआ। ये दोनों तो एक ही प्लेन में है, लेकिन ये ब्लू वाला अलग प्लेन में चला गया। ठीक है, इसको ऐसे ही होना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं हो सकता है यहाँ से टकराने का बाद ऐसा नहीं कि इसे अंदर की तरफ चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा एक ही प्लेन में होना चाहिए तीनों, समझे? तो वो यहाँ पे बोला गया है। तो ये हमने समझ लिया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे जैसे भी अंडरलाइन किया हुआ है ना, इसे आपको अंडरलाइन नहीं करना है। तो आप अभी सिर्फ समझते चलिए अंडरलाइन कैसे करना है, अभी हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ समझना है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ फीचर्स देखते हैं। अगर प्लेन मिरर में ये कोई मान लीजिए प्लेन मिरर है, और इसमें आपने अपना शक्ल देख लिया खड़ा होके, तो क्या क्या फीचर होगा? पहला फीचर तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका जो इमेज बनेगा आईना में वो वर्चुअल होगा, मतलब रियल नहीं होगा और इरेक्ट होगा। रियल वर्चुअल क्या है थोड़ी देर में अभी डिटेल में समझेंगे, और इरेक्ट मतलब सीधा होता है। ठीक है, आपका जो शरीर है वो सीधा दिखेगा यहाँ पर। और क्या फीचर होता है यहाँ पे, साइज जो है इमेज का वो सेम होता है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आप जितने बड़े हैं उतने बड़े आईने में भी दिखेंगे। और इसका एक फीचर होता है कि इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड मतलब आपका जो राइट है वो आईना में लेफ्ट दिखेगा, और आपका जो लेफ्ट है वो आईना में राइट दिखेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ फीचर्स है प्लेन मिरर का, इमेज का। तो फिलहाल ये होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आता नहीं है ये।
जो असली चीज़ हमारे मेन सिलेबस में है वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो ऐसे मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल, ठीक है, गोलाकार हो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। समझे यहाँ तक? अंडरलाइन क्या करना है एकदम टेंशन मत लीजिए, थोड़ी देर में हम आपको बता देंगे। स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप का होता है। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखिए आप, अगर आप यहाँ पे खड़ा होकर अपना चेहरा देखेंगे ना, तो ये आईना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे चेहरा दिखेगा, मतलब अंदर की तरफ अगर मुड़ा हुआ है तो वो कॉन्केव मिरर कहलाता है, और ये ऐसा मिरर है जो बाहर की तरफ से मुड़ा हुआ है, आपको यहाँ पे खड़ा होकर अपना चेहरा देखना होगा, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। बातें गहराई समझ रहे हैं? इसको हम लोग डायग्राम कैसे बनाते हैं, हम लोग हमेशा ऐसे एक कर्व लाइन खींचते हैं और यहाँ पे ऐसे करके शेड कर देते हैं, ठीक है। अंदर से आपको चेहरा देखना है तो ये आपका कौन सा हो गया मिरर, कॉनकेव मिरर। इसको याद करने का टेक्निक क्या होगा, केव मतलब आपको पता है गुफा, मतलब अंदर की तरफ गुफा है, ठीक है, उसमें जाना है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। और अगर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आपको यहीं पे खड़ा होकर चेहरा देखना है और यहाँ पे अंदर से शेड किया हुआ है, ठीक है, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड की तरफ बेंड है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। समझ रहे हैं बात का गहराई? अब हम एक सवाल पूछेंगे आपसे, आप मुझे बताइएगा वो कॉन्वेक्स है या फिर कॉनकेव है। ये पेन अटक रहा है, कोई बात नहीं, आप मुझे ये बताइए ये कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स है। तो अगर आपका जवाब अगर कॉनकेव है तो आप बिल्कुल राइट है, क्योंकि अंदर की तरफ आप यहाँ पे चेहरा देखेंगे, यहाँ से आपको चेहरा दिखेगा, ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलिए, हमने समझ लिया कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या होता है, अब कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है पोल। पोल क्या होता है? तो फिलहाल आप कॉनकेव में ही ज़्यादा काम करते हैं हम लोग। मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है और यहाँ से ये शेड किया हुआ है, तो इसका जो सेंटर है ना, इस सेंटर पॉइंट को बोलते हैं पोल, और इसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, इतना समझे। ये हुआ पहला। अगला आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये देखिए, ये किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा, अगर हम इसको अगर कंप्लीट कर दें तो कोई ना कोई ये सर्कल का पार्ट होगा, ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर भी तो होगा, तो उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कैपिटल लेटर सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सिर्फ समझिए, यहाँ से कुछ याद नहीं करना है। पहला हमने पी समझा, दूसरा हमने सी समझा, ठीक है। अब इस सेंटर से लेके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, अगर ये सर्कल है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। बातें अगर ही समझ रहे हैं यहाँ तक? चलिए, और देखिए, अगर मिरर कॉनकेव है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके फ्रंट में लाई करता है, और अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर लाई करता है, ठीक है, उस साइड होगा मिरर के पीछे, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे आप चेहरा देखेंगे ना, तो इसको फ्रंट बोलते हैं और इसको बिहाइंड बोलते हैं, बिहाइंड द मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, तीन चीज़ हमने समझा। अब हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो मान लीजिए ये है आपका कौन सा मिरर, बोलिए कॉनकेव मिरर। तो जैसे ही मिरर बनाएंगे यहाँ पे क्या दे देंगे, बोलिए पी, और यहाँ पे कहीं पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इतना समझे, और इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है और पोल से भी पास कर रहा है, ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बातें अगर यही समझ रहे हैं? तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, सबसे पहले पोल समझा जो इस मिरर का सेंटर है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर समझा क्या होता है ये, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर समझा, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करता है बिहाइंड द मिरर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है,
इज एन एनी लाइन, कोई इमेजिनरी लाइन है जो पास करता है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, इतना समझे। चलिए अब हम लोग समझते हैं फोकस क्या होता है। इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, मान लीजिए ये है एक आपका कॉनकेव मिरर। जब भी आप डायग्राम बनाएंगे ना, आप देख रहे हैं सब में एक ही पैटर्न फॉलो होगा। बस सबसे पहले आपको एक कर्व लाइन बनाना है, यहाँ से शेड करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे पी दीजिएगा और यहाँ पे सी दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है बहुत दूर इन्फिनिटी पे है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये सन है। तो जब भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है ना, तो वहाँ से जो लाइट रे है वो ऑलवेज पैरेलल आता है, ठीक है। ये एक इंसिडेंट हो गया पैरेलल रे, फिर ये भी एक इंसिडेंट रे हो गया पैरेलल। यहाँ पे जो भी लाइट आ रहा है सब पैरेलल आता है, ठीक है। देख रहे हैं सब पैरेलल है। अब ये सब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होने का बाद सब जो रिफ्लेक्टिंग रे है एक पॉइंट से गुजर रहा होता है। ये भी इसी पॉइंट से गुजरा, यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होने का बाद यहीं से गुजरा, ये भी रिफ्लेक्ट होने का बाद यहीं से गुजरा। तो ये पॉइंट जरूर कुछ खास बात है यहाँ पे कि सब रिफ्लेक्ट होने का बाद इधर से आया, इधर से इधर मुड़ा, ये इधर से आया, इधर से ऐसे इस डायरेक्शन में मूव किया, ये इधर से आया और ये इस डायरेक्शन में, इधर से आया इस डायरेक्शन में, ठीक है। सब एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, फिर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो हमने समझा कॉनकेव के केस में, कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये है आपका एक कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। सिमिलरली यहाँ पे हमने दे दिया पी, इसका कहीं पे होगा यहाँ पे सी, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूर है इन्फिनिटी पे, तो यहाँ से भी रेज आया पैरेलल इंसिडेंट रे, बहुत सारा आ रहा है, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्ट करने का बाद ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये भी इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये भी इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लगेगा, ऐसा अगर आप यहाँ से देखेंगे ना, ये आपका आँख है अगर मान लीजिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो है कोई एक पॉइंट से निकल के आ रहा है, मतलब अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे फोकस बोलते हैं, फोकस को कैपिटल लेटर एफ से डिनोट करते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पे इसको कैपिटल लेटर एफ से डिनोट करेंगे। समझे कि नहीं समझे, चलिए अब देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। तो ये देखिए, अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर। ये एक कॉनकेव मिरर है और बहुत सारे पैरेलल रेज इस पे फॉल कर रहे हैं। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे को ऑब्जर्व कीजिए, आप पाएंगे कि दे आर ऑल मीटिंग या फिर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। सब एक प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, ठीक है। और कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा लगेगा कि आपको इस पॉइंट से ये सब जो रे है वो निकल रहा है, ठीक है। इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। समझ रहे बात कह रही। और द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाई लेटर कैपिटल लेटर एफ। और डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लेटर एफ। बोला जा रहा है इस पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी जो हमने देखा था ये एफ और पी के बीच में डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको भी स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आ गया कि डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखिए
आप ऐसे लिखिएगा कि व्हेन व्हेन अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल ऑन अ कॉनकेव मिरर, तो देन ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज मीट या फिर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। अब समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसका कैसे डेफिनेशन लिखेंगे। इसमें लिखेंगे व्हेन अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज अपियर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ऐसे डेफिनेशन लिख लेंगे और ये डायग्राम बना देंगे कॉन्केव का केस में जिसका पूछा रहेगा, अगर कॉन्वेक्स का पूछा है तो ये डायग्राम बना देंगे। ठीक है, यहाँ तक चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया फोकस। अब यहाँ पे एक वर्ड है जिसको बोलते हैं एपर्चर, इसको समझते हैं क्या होता है। फिलहाल आप अभी तक सिर्फ समझते चलिए, कुछ अंडरलाइन मत कीजिएगा, ठीक है। हम अभी आपको दिखा देंगे क्या अंडरलाइन करना है। एपर्चर का मतलब क्या होता है, तो इस डायग्राम में ही देखिए, ये जो डिस्टेंस है ना, एम और एन के बीच में डिस्टेंस, एम और एन के बीच में डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोलते हैं अपर्चर। तो हमारे सिलेबस में ऐसे ही लेंस, ऐसे ही मिरर को पढ़ना है जिसका ये जो लेंथ है वो काफ़ी कम हो। ठीक है, स्मॉल अपर्चर वाले मिरर को पढ़ना है। यही लिखा है कि वी शैल कंसिडर इन आवर डिस्कशन ओनली सच स्फेरिकल मिरर हुज अपर्चर इज मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका अपर्चर छोटा हो रेडियस ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो इसी एक्सेप्शन है, आप उसको छोड़ दीजिए, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए, ऐसे स्फेरिकल मिरर जिसका अपर्चर स्मॉल है वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दुगुना होता है फोकल लेंथ का, मतलब आर इक्वल टू टू एफ। बोलने का मतलब है कि ये कौन सा मिरर है हमारा, कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा P, ये यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फोकस जो है ना वो एकदम बीचों बीच लाई करता है। ये जो फोकल लेंथ है F, इतना डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का दो मतलब हाफ है। बोलने का मतलब इतना दूर अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो R इक्वल टू इसका डबल कर दीजिए 2F। तो ये एक फॉर्मूला बन गया जो कि आपको याद रखना है। समझे बात का गहराई, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर दोगुना होता है फोकल लेंथ का। एग्जाम में आपसे सिंपल सा एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे कि इफ़ रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फाइंड फोकल लेंथ, तो आपको फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या कर देना है, उसका हाफ कर देना है, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग समझ लिया बेसिक कॉन्सेप्ट, ये हमने देखा। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। यहाँ तक आप अगर आपने समझ लिया है, अब आगे का रास्ता काफ़ी आसान है। इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कैसा इमेज और कैसे फॉर्म करता है, चलिए देखते हैं। अभी हमें इस टेबल को काफ़ी डिटेल में समझना है। ठीक है, तो टेबल पे थोड़ा बाद में आते हैं, पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हम अगला टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम का हेल्प से हम लोग इमेज बनाना सीखेंगे। देखिए, मान लीजिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी जिसका एक स्पेसिफिक साइज हो, फॉर एग्जाम्पल एप्पल हो गया, या फिर आपका पेन हो गया, आप खुद हो गए, या फिर मोमबत्ती हो गया, कोई भी चीज़। ठीक है, ये सब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। इसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट से क्या निकलेगा, लाइट निकलेगा। अब आप बोलेंगे सेब से कैसे लाइट निकलेगा, तो याद कीजिए हम चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी आपको बोले थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे हमेशा सन से या फिर कोई बल्ब से लाइट पड़ता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने का बाद ही आपके आँखों में पहुँचता है वो लाइट, तभी आप उसको देख पाते हैं। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट जो है ना आपके आसपास, वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, ये सब इसका रिफ्लेक्टिंग रे है। तो वैसे ही एक आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लीजिए और फाइनाइट साइज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट होते हैं, समझे। तो यहाँ पर देखे पा रहे हैं बहुत सारा रेज इस ऑब्जेक्ट से निकल रहा है, तो इतना सारा रे से हमें काम नहीं करना है, हमें सिर्फ दो रे से काम करना है फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, आसानी से समझ में आने के लिए। ठीक है, अब वो दो रे कौन सा लेंगे हम, तो देखिए द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रे गिव द पोजिशन ऑफ इमेज। अगर दो रे कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमें इमेज का पोजिशन मिल जाएगा। अब वो दो सवाल उठता है कि वो दो रे कौन सा ले, तो यहाँ पर चार रे डिस्कस किया हुआ है, एक और ये दो और ये तीन और ये चार। वैसे ही कॉन्वेक्स का केस में भी चार रे है यहाँ पे। ठीक है, तो इस चारों में से कोई दो को यूज़ करके हम लोग काम करेंगे। तो चारों रे कैसा है चलिए देखते हैं। सबसे पहला, नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं, नहीं तो यहीं शुरू करते हैं, पेज वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहला ये मान लीजिए आपका है कौन सा मिरर, बोलिए कॉनकेव मिरर। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका पोल,
ये हो गया सी, ये हो गया एफ, इतना आपको हमेशा करना है तैयार, ठीक है, सी एफ पी रेडी कर लेना है। तो कोई भी इमेज अगर, सॉरी, कोई भी अगर इंसिडेंट रे अगर पैरेलल फॉल करता है ना कॉन्वेक्स मिरर पे, तो अभी हमने देखा था जब भी पैरेलल फॉल करता है तो वो कहाँ से होकर गुजरता है, इन सब का स्पेशल लगाव है फोकस के साथ, फोकस से ही गुजरेगा इन लोग। ये हो गया पहला रे, ठीक है, जो कि हम लोग यूज़ करेंगे डायग्राम बनाने के लिए। सिमिलरली कॉन्वेक्स का केस में हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग, इधर हो गया पी, इधर हो गया एफ, इधर हो गया सी, ठीक है। और अगर यहाँ से कोई भी पैरेलल रे आता है तो ये तो अंदर तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि अंदर तो शेड किया हुआ, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है। यहाँ पर डॉटेड लाइन दीजिएगा और यहाँ से ऐसा बोल्ड लाइन, ठीक है, कॉन्वेक्स में ऐसा काम करेगा ये। तो पहला रे हमने समझा जो कि पैरेलल आता है, फोकस से गुजरता है, यहाँ पे फोकस पे ऐसा लगेगा कि इमर्ज हो रहा है फोकस से, ये हुआ पहला रे। दूसरा दूसरा अगर ये मान लीजिए हमारा प्यारा कॉनकेव लेंस है, सॉरी कॉनकेव मिरर है, अगर हम कहीं बीच में लेंस बोल रहे हैं तो गलती से निकल जा रहा है मुंह से, ठीक है, उसको इग्नोर कीजिएगा, वो हम मिरर बोलना चाह रहे हैं। ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर से यहाँ पे सी और एफ और पी, ठीक है, और ये हमने बना लिया यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया यहाँ पे पी, और यहाँ पे हो गया एफ, और यहाँ पे हो गया सी, ठीक है। अब देखिए, पहला हमने देखा था ए में, हमने देखा था कि अगर पैरेलल आता है तो फोकस से गुजरता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि किसी रे को अगर फोकस से ही भेज देना तो बताइए वो कैसे निकलेगा। सही कहा आपने, वो पैरेलल निकल जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहाँ पे भी अगर आप फोकस पे डायरेक्शन लगा के कोई रे यहाँ पे भेजे इस पे निशाना लगा के, तो ये तो इधर नहीं जाएगा, लेकिन ये कहाँ निकल जाएगा, पैरेलल निकल जाएगा। बातें क्या समझ रहे हैं, ये दूसरा रे यूज़ करेंगे हम लोग रे डायग्राम बनाने के लिए। दो हमने समझ लिया, चलिए तीसरे पे मूव करते हैं। नंबर सी होगा, बहुत ही खतरनाक है ये, सबसे डेंजर ही है। ये हमारा हो गया फिर से कॉनकेव मिरर, बीच से हमारा गुजर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, फिर से हमने सी और फिर से एफ और फिर से यहाँ पे पी, ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक है। अगर मान लीजिए आपने कोई रे सी से भेज दिया ना, पता है आपको क्या होगा, फिर ये रिफ्लेक्ट होगा और वापस सी से ही गुजर जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कॉन्वेक्स के केस में ये हो गया हमारा पी और ये हो गया एफ, ये हो गया सी। अगर आपने सी पे निशाना लगा के कोई रे भेजा ना, इस पे निशाना लगा के, तो ये क्या होगा, बहुत ही खतरनाक है, ये वापस यहीं से गुजर जाएगा, ठीक है, यही इंसिडेंट रे भी है और यही रिफ्लेक्टेड रे भी है। तो ये हो गया तीसरा। और चौथा रे है जिसका हम लोग बहुत कम यूज़ करेंगे, फिर से बना लेते हैं कॉनकेव मिरर, सी एफ पी, यहाँ पे हो गया कॉन्वेक्स, सी एफ पी, ठीक है। अब इस सी से भेज के हमने देख लिया, एफ से भेज के हमने देख लिया, पैरेलल भेज के भी देख लिया। अब इस बार क्या करेंगे, ये कोई भी ऐसा ही रे है जो पोल पे डायरेक्शन किया हुआ है, तो ये नॉर्मल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, हर जगह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है, और ये यहाँ से निकल जाएगा। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये यहाँ से, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप कोई भी रैंडमली रे ऐसे भेजते हैं पोल की तरफ, तो ये नॉर्मल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके यहाँ से निकल जाएगा। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हो गया चौथा रे। एक बार बुक में देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे कि बुक में भी ये सब लिखा हुआ है। ये देखिए, पहला है ये, जब पैरेलल भेजा हमने तो वो फोकस से गुजरा। डायग्राम बनाते वक्त हमें ये आई और आर लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जैसा हम बनाए हैं यहाँ पे वैसा सिंपल डायग्राम काम करेगा। अगर कॉन्वेक्स के केस में पैरेलल भेज रहे हैं तो लगेगा कि फोकस से निकल रहे हैं वो, समझा हमने। दूसरा रे था कि अगर फोकस से ही भेज दे तो पैरेलल निकलता है, फोकस की तरफ निशाना लगा के भेजे तो वो पैरेलल निकल जाएगा। तीसरा रे था बहुत ही खतरनाक, अगर सी से भेजते हैं तो वापस सी से ही गुजर जाता है। यहाँ पे अगर सी की तरफ निशान लगा के भेजेंगे तो वापस सी से ही निकलेगा वो, ठीक है। और चौथा था नॉर्मल कोई भी पोल की तरफ डायरेक्शन करके भेजेंगे तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा और ऐसे निकल जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे भेजेंगे तो ऐसे निकल जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वही सब लिखा हुआ है, आप रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से याद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ये चार डायग्राम ध्यान में रखना है कि
यहाँ से गुजरता है तो क्या होता है, फोकस से गुजरता है तो क्या होता है, ठीक है। चलिए इतना आपने समझ लिया, अब तो आपका काम बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। अब हम 6 रे डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे इमेज फॉर्म होता है। तो चलिए 6 रे डायग्राम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम लोग इमेज में लेवल कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सी, ये हो गया एफ, ये हो गया पी, ठीक है, सब में लेवल कर लेते हैं। ये हमने लेवल कर लिया। अब हम लोग प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को। सबसे पहला केस में जो ऑब्जेक्ट है ना वो होगा एट द इन्फिनिटी, बहुत दूर होगा वो ऑब्जेक्ट। पेंसिल काफ़ी छोटा है, मेरे को फिलहाल यही मिला, कोई बात नहीं। दूसरा केस में ऑब्जेक्ट जो होगा वो सी के आगे होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बियॉन्ड सी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी, ये हो गया बियॉन्ड सी। तीसरा केस में अब देखिए थोड़ा पास ला रहे हैं इमेज को, अब इसमें सी पे ही डाल देंगे। ऐसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, एरो का साइन देके सीधा। पहले ऑब्जेक्ट था एट इन्फिनिटी में, दूसरे बार ऑब्जेक्ट को लाए सी के थोड़ा बगल में, तीसरे बार सी पर ही डाल दिए, चौथे बार में आप बताइए कहाँ जाएगा ये ऑब्जेक्ट। सही बोले आप, ये बीच में आएगा, ठीक है, सी और एफ के बीच में कहीं पर। फिर पाँचवें बार में ये ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर जाएगा, एफ पे मूव कर जाएगा। और छठे बार में ये ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में मूव कर जाएगा, ठीक है। चलिए दे देते हैं ऑब्जेक्ट का पोजिशन, ये रहा, यहाँ पे सी और एफ का बीच में दे देते हैं कहीं पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट एफ पे दे देते हैं, और इस केस में एफ और पी के बीच में दे देते हैं। हमने समझ लिया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं ये इमेज कैसे कैसे बनेगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे होता है ना, इसको हर में ऑब्जेक्ट का नाम ए बी दे दीजिए, इजी होगा इससे। बुक में भी हाँ ए बी दिया हुआ है, सब में ए बी नामकरण कर देते हैं ऑब्जेक्ट का, ए बी, यहाँ पे भी ए और यहाँ पे दे देते हैं बी, इस केस में भी ए और बी, और यहाँ पर भी ए और बी, और यहाँ पर भी ए और बी, ठीक है। चलिए ये ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, यहाँ से जब भी रेज आता है वो क्या आता है, पैरेलल आता है। अभी हमने आपको बताया था ये एक रे आया जो कि पैरेलल है, और कोई भी दो रे से ही काम हो जाएगा हमारा, तो एक ये बनाते हैं और एक ये बनाते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था कि बहुत सारा रेस बना के कचरा निकलना है यहाँ पे। अब जब भी रेस पैरेलल होता है तो हमें पता है वो कहाँ से गुजरता है। हमने ये चार तो हथियार हमने यहाँ पे सीख रखा है। पहला हथियार हमारा ये था, पैरेलल आता है तो फोकस से गुजरता है। दूसरा हथियार था कि फोकस से गुजरेगा तो पैरेलल निकलेगा। तीसरा हथियार सी से गुजरेगा तो सी से ही वापस आएगा। और चौथा हथियार ये सिंपल सा था। तो यहाँ पे पहला हथियार से ही काम हो जा रहा है कि अगर पैरेलल आता है तो उसको फोकस से गुजरना है, तो फोकस से गुजार दीजिए, यहाँ पर भी फोकस से पास करवा दीजिए, ठीक है। तो दोनों रिफ्लेक्टिंग रे कहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है। तो यही हो गया पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। तो अब एक बार जरा टेबल में देखते हैं। अब देखिए जब भी इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है, इसका मतलब फॉर एग्जांपल ये सन को मान लीजिए, ठीक है, तो ये तो इसका साइज, ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन इमेज का साइज देखिए एक पॉइंट में सिमट जा रहा है, तो इमेज का साइज हाईली डिमिनिश्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए चूंकि असली असली रेज यहाँ पे मिल रहे हैं, ये तो रियल के रेज है ना, दो रेज सच में यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो इसलिए जो इमेज बना है ना ये रियल इमेज है, ठीक है। अभी तो वर्चुअल समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि दो रे असलियत में यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज होगा। अगर आप यहाँ पे कोई एक स्क्रीन रख देना तो आपको यहाँ पे सन का परछाई मिल जाएगा। और ऐसा आपने कभी देखा भी होगा, कभी आपने इस तरीके का अगर स्फेरिकल मिरर लेके सन का लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करवा के कोई एक पेपर में पास करवाया होगा, थोड़ी देर बाद वो पेपर जल जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पेपर एक स्क्रीन बन गया यहाँ पे और सन का इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ, और इमेज मतलब वो बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, इस वजह से ये पेपर जल जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए इस टेबल में एक एक करके टेबल को भी समझते जाते हैं।
ये देखिए, पहला था पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहाँ पे बना हम लोग का, एट द फोकस। तो यहाँ पे लिखा है कि एट द फोकस। साइज ऑफ द इमेज, साइज क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है कि हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज है यहाँ पे। नेचर ऑफ द इमेज, नेचर का मतलब क्या होता है कि रियल है कि क्या वर्चुअल है, तो ये रियल इमेज है क्योंकि दो असली रेज यहाँ पे मीट कर रहे हैं। और रियल इमेज हमेशा ही कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, उल्टा होता है ये। या तो अभी समझ में नहीं आ रहा है ये पॉइंट साइज है तो पता नहीं चल रहा है कि सीधा है कि उल्टा है, आगे अभी समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इसको याद कर लीजिए कि ये इमेज का जो नेचर है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये पहला रो हमने समझ लिया। चलिए अब मूव करते हैं दूसरे रो पे। जब ऑब्जेक्ट होता है बियॉन्ड सी, तो सबसे पहला रे जो हम यहाँ से पास करवाएंगे वो होगा एक पैरेलल रे, जैसा कि बुक में भी बताया गया है। और ये पैरेलल रे का खास बात क्या है कि ये हमेशा फोकस से गुजरेगा। ठीक है, ये फोकस थोड़ा यहाँ पे दे देते हैं ताकि इमेज बनाने में आसानी हो। ये फोकस मान लीजिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये इमेज रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास किया यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा लाइन कहाँ से पास कराया है, बुक में सी से पास करवाया है। अब देखिए, अगर हम सी से पास करवाने जाए ना तो हमारा तो ये यहाँ पे आएगा, लेकिन लेंस तो हमने यहीं तक बना रखा है। तो सी का पोजीशन भी थोड़ा चेंज करते हैं, सी को थोड़ा और आगे लाते हैं। मान लीजिए ये है सी। ठीक है, अब देखिए, अगर सी से ये पास करेगा तो हमें पता है कि सी का बहुत ही डेंजर केस था, यहीं पर इसी से रिफ्लेक्ट कर जाएगा ये। ठीक है, तो यहीं से आया भी और यहीं से गया भी। तो दोनों रे कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इमेज, इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये उल्टा एरो से जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे एरो जाता है। ठीक है, ये उल्टा एरो यहाँ पे गया। इसका नाम कैसे देंगे, ये बी है तो यहाँ पे दे दीजिए बी डैश, इसका नाम ए है तो यहाँ पे दे दीजिए ए डैश। ठीक है, बी डैश ए डैश हो गया इमेज। आप देखिए, इसका अगर बात किया जाए पोजिशन का, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, पोजिशन ऑफ इमेज होगा बिटवीन सी एंड एफ। साइज़ का अगर बात करें तो इसका इसके तुलना में इसका साइज छोटा है तो डिमिनिश्ड होगा इसका साइज। नेचर का बात करें तो इसका नेचर क्या है, चूँकि दो रियल में रेज यहाँ पे मिल रहे हैं तो ये रियल इमेज हुआ और इन्वर्टेड हुआ, उल्टा यहाँ पे दिख रहा है तो ये इन्वर्टेड है। ठीक है, तो ये रहा, एक बार बुक में देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। देखिए, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, पोजिशन ऑफ इमेज बिटवीन एफ एंड सी, साइज डिमिनिश लिखा हुआ है और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड लिखा हुआ है। क्लियर हो गया ये। तीसरा वाला समझते हैं, जब ऑब्जेक्ट एट सी पे होता है। ये देखिए, ऑब्जेक्ट एट सी पे पहले से बनाया हुआ है, चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ऐसा रे भेजते हैं जो पैरेलल हो, ये रहा पैरेलल रे। ये कहाँ से गुजरेगा, हमें पता है एफ से गुजरेगा। ठीक है, एफ से गुजर गया, मान लीजिए ये था एफ। और दूसरा रे गुजारना है तो दूसरा रे कहाँ से गुजारे, ऑप्शन नहीं है, अब हमें एफ से ही भेजना होगा दूसरा रे। चलिए एफ से भेज देते हैं, ये रहा। जब फोकस से कोई रे आता है तो वो कैसा निकलता है, पैरेलल निकलता है। ठीक है, ये निकला पैरेलल रे। तो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये हमारा बन गया इमेज, ये रहा इमेज। इसका भी अगर नाम देना है तो नाम बुक में कैसे दिया है, बी डैश ए डैश, वैसे ही दे देते हैं फिर से बी डैश, और ये हो गया ए डैश। तो बताइए इसका फीचर क्या होगा, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी, पोजिशन ऑफ इमेज एट सी। ठीक है, इमेज भी सी पे बन रहा है। नेचर बात किया जाए तो चूंकि दो असली रेज यहाँ पे मीट कर रहे हैं तो नेचर हो गया रियल और उल्टा तो दिख ही रहा है इन्वर्टेड। और साइज़ का अगर बात किया जाए तो ये सेम साइज़ का बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया तीसरा इमेज। बुक में एक बार देख लेते हैं, आपको थोड़ा संतुष्टि मिल जाएगा। ये देखिए, एट सी, इमेज भी एट सी, साइज सेम साइज, और नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, जब भी रियल होगा तो वो इन्वर्टेड ही होता है। चौथे केस पे मूव करते हैं, जब ऑब्जेक्ट हो बिटवीन सी एंड एफ। देखिए इसका क्या है, ये रहा ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सी एंड एफ है। चलिए इसका इमेज बनाते हैं, तो सबसे पहले एक यहाँ पे पैरेलल रे भेजते हैं। तो जब पैरेलल रेज होता है तो वो कहाँ से निकलेगा, फोकस से। ठीक है, और दूसरा रे हमें भेजना होगा फोकस ही से, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। तो ये निकलेगा पैरेलल। ठीक है, ये यहाँ से निकला था तो दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये हो गया
इमेज का पोजीशन। इसका नामकरण करना है, इसका नाम ए बी है तो यहाँ पे दे देते हैं बी डैश और इसका नाम दे देते हैं ए डैश। ठीक है, चलिए बात किया जाए इसका फीचर्स का। तो सबसे पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा बियॉन्ड सी। ठीक है, और इसका नेचर बात किया जाए तो दो असली रेज यहाँ पे मीट कर रहे हैं तो इसका नेचर हो गया रियल और इन्वर्टेड। और साइज का अगर बात किया जाए तो ये देखिए छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है तो साइज हो जाएगा यहाँ पे इनलार्ज्ड। ठीक है, चलिए बुक से एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ये रहा बिटवीन सी एंड एफ, जब हो तो इमेज बनता है बियॉन्ड सी, एनलार्ज होता है साइज और रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा ही। पांचवा केस पे मूव करते हैं, जब ऑब्जेक्ट हो एट द फोकस। ये रहा ऑब्जेक्ट फोकस पे पहले से बनाया हुआ है, एक अगर पैरेलल हम यहाँ से भेजे लाइन रे तो वो निकलेगा फोकस से। ठीक है, ये हो गया इसका डायरेक्शन। और एक अगर रेज यहाँ पे हम किसी और डायरेक्शन से भेजें, बुक में सी पे डायरेक्ट करके भेजा हुआ है, एक यहाँ से ऐसा रे भेजिए जो सी का डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो ये रे भी वापस इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके गुजरेगा। समझ रहे बात कह रहा है, इधर से गया और इधर से आया तो ये रहा। अब ये देखिए तो पैरेलल लाइन निकल गया, ये क्या कभी मीट करेगा? नहीं मीट करेगा, मतलब बोल सकते हैं एट इन्फिनिटी पे मीट करेगा। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एफ, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रहा है तो इन्फिनिटी पे जाकर बनेगा। इसका साइज थोड़ा स्मॉल है लेकिन ऑब्जेक्ट का साइज चूंकि इन्फिनिटी पे बहुत ही बड़ा इमेज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा इनलार्ज्ड। और जो इसका नेचर है वो वही होगा रियल एंड इन्वर्टेड, कहीं ना कहीं तो मिलेगा तो रियल ही होगा और इन्वर्टेड होगा। तो वही देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। एट फोकस इमेज बनता है एट इन्फिनिटी पे, साइज होगा हाईली इनलार्ज्ड और जो नेचर है वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, छठा केस जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, मान लीजिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। बिटवीन जब ऑब्जेक्ट हो पी एंड एफ, ये रहा जब ऑब्जेक्ट हो बिटवीन पी एंड एफ हमने बना रखा है तो फिर से भेजते हैं, एक पैरेलल रे भेजेंगे जो ऑलवेज गुजरेगा फ्रॉम द फोकस। ये रहा फोकस से गुजर गया। और दूसरा रे जो हमें भेजना है वो हम भेजेंगे यहाँ से, एक कोई भी जो चौथा हथियार हमने देखा था वो पोल पे भेजेंगे तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता हुआ यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इमेज ये कहाँ पे बनेगा, ये तो और डाइवर्ज हो रहा है, ये क्या कहीं मिलेगा? इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेगा ये तो इमेज हमें यहाँ नहीं मिल रहा है तो इसको हम लोग पीछे की तरफ मूव करा देंगे ताकि पीछे का तरफ कम से कम मीट होने का अपीयर तो हो। ये रहा दोनों यहाँ अपीयर हो रहा है कि दोनों यहाँ पे मीट कर रहा है तो यहाँ पे बना इस बार इमेज। ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं बी डैश और यहाँ पे दे देते हैं ए डैश। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इसका साइज देखिए छोटा है, इसका साइज बड़ा है तो साइज होगा इनलार्ज्ड। और चूंकि दो नकली रेज यहाँ पे मीट कर रहे हैं, असलियत में दो रे यहाँ पे मीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इसका नेचर होगा वो होगा वर्चुअल, समझ रहे हैं वर्चुअल और रियल में अंतर। वर्चुअल इमेज हो गया और ये इरेक्ट है, सीधा खड़ा है तो इरेक्ट, उल्टा खड़ा होता तो बोलते हैं इन्वर्टेड। ये सब वर्ड आप ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं बात का कह रहा है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक ही इकलौता केस है कॉन्वेक्स मिरर में जब इमेज इरेक्ट होता है और वर्चुअल होता है। ठीक है, चलिए तो ये हमने समझ लिया छः हो रे डायग्राम, एक बार बुक से कन्फर्म कर लेते हैं। ये रहा बिटवीन एफ एंड पी, रहा तो इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, साइज होगा एनलार्ज्ड और नेचर होगा वर्चुअल एंड रियल। तो इस चार्ट को काफ़ी अच्छे से समझ समझ के एक बार प्रैक्टिस करना है, आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपको एक बार फिर से ये छः हो डायग्राम आपको खुद से बनाना है, ठीक है, पेंसिल स्केल से। और एग्जाम में भी ये सब जो हम पेन से बना दिए ना, ये सब आपको पेंसिल से ही बनाना है, पूरा डायग्राम पेंसिल से, लेबलिंग भी पेंसिल से करना होता है। ठीक है, यहाँ पे पेन एकदम नहीं यूज़ करना है। चलिए तो ये हमने समझ लिया रे डायग्राम से कि इमेज कैसे बनता है, कब कहाँ बनता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ यूजेस दिखा गया है, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना देर हो गया हमने कुछ अंडरलाइन नहीं किया, कुछ उतारा भी नहीं, तो अंडरलाइन अभी क्या करना है, थोड़ा देर के लिए और पेशेंस रखिए, अभी हम आपको दिखा देंगे क्या अंडरलाइन करना है। ठीक है, और जो इमेज है वो सब यहाँ पे भी बना हुआ है। ठीक है, ये सब सिंप्लीफाइड डायग्राम है, एग्जाम में ऐसे ही बनाना होगा आपको, यहाँ पे थोड़ा आपको देख के डर लगेगा लेकिन कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं यूजेस ऑफ इमेज कॉनकेव मिरर। पहला यूज है, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं हम लोग इन टॉर्चेज या फिर सर्च लाइट में या फिर व्हीकल्स हेडलाइट में टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट।
अब ये कैसे होता है इसको आप ऐसे समझिए, चलिए यहीं पे समझ लेते हैं। ये मान लीजिए आपका एक हो गया लाइट, ठीक है, और ये लाइट निकाल रहा है हर डायरेक्शन में, तो इसके पीछे हम लोग एक कॉनकेव मिरर यूज़ कर देते हैं ताकि, और ये लाइट को हम लोग ऑलवेज एट द इस तरीके से प्लेस करते हैं कि ये इस मिरर का फोकस पे लाई करे, तो यहाँ से जो भी लाइट निकलेगा तो ये निकल जाएगा पैरेलल, यहाँ से जो भी लाइट निकलेगा तो ये निकल जाएगा पैरेलल, ऐसा बहुत सारा लाइट निकलेगा पैरेलल। तो इसीलिए हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं इन टॉर्चेस, सर्च लाइट में, ताकि हम लोग एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ से पा पाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है टॉर्चेस में यूज़ करते हैं, सर्च लाइट में यूज़ करते हैं, व्हीकल हेडलाइट में यूज़ करते हैं टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। दूसरा ये यूज़ होता है इन शेविंग मिरर टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस। शेविंग मिरर में हम लोग इमेज को काफ़ी पास रखते हैं चेहरे का पास यहाँ पे, तब हमें वहाँ पे एक सीधा इमेज मिलता है और वर्चुअल इमेज मिलता है, ठीक है, ठीक आईने की तरह ये यूज़ हो जाता है यहाँ पे। और कहाँ पे यूज़ होता है ये, डेंटिस्ट लोग इसका यूज़ करते हैं टू सी लार्जर इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट्स। और ये सोलर फर्नेस में भी यूज़ होता है टू कंसंट्रेट सनलाइट, ठीक है। ये अगर मान लीजिए सोलर कुकर है, ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पे चावल रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा ही कुछ मिरर यूज़ किया जाता है कहीं पर, ताकि सनलाइट यहाँ पे पड़े और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर इसको बहुत ज़्यादा हीट दे, ताकि ये थोड़ा गर्म होकर जल्दी कुक हो जाए, ठीक है। तो ये सोलर फर्नेस में भी यूज़ होता है। तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन सा मिरर यूज़ होता है सोलर फर्नेसेस में और क्यों यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको लिखना होगा कॉनकेव मिरर इज़ यूज्ड बिकॉज इट कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट, ठीक है। कौन सा मिरर यूज़ होता है इन टॉर्चेस सर्च लाइट में, तो आपको लिखना होगा कॉनकेव मिरर बिकॉज इट प्रोड्यूसेस पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए हमने ख़त्म कर लिया कॉनकेव मिरर को, उसका डायग्राम क्या 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 होता है और उसका यूजेस क्या क्या होता है वो हमने देख लिया। अब यही दोनों काम हमें कॉनवेक्स के केस में करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें तो 6 डायग्राम बना था कॉनकेव के केस में, इसमें कितना बनेगा कॉनवेक्स के केस में, इसमें 6 ही बनेगा या फिर उससे भी ज़्यादा बनेगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, इसमें 6 डायग्राम नहीं है बल्कि सिर्फ 2 डायग्राम अभी आपको बनाना है। 2 डायग्राम ही क्यों, क्योंकि पहला केस में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एट इन्फिनिटी और दूसरा केस में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है। इसमें जो सी और एफ है वो बिहाइंड द मिरर लाई करता है, इसलिए वो सब झंझट ही खत्म हो गया कि जब सी पे होगा उस दोनों के बीच में होगा, फिर उस पे होगा, फिर आगे होगा, उतना झंझट खत्म हो गया, ठीक है। सिर्फ 2 ही डायग्राम हमें यहाँ पे स्टडी करना है, पहला व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी और दूसरा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। चलिए दोनों को डायग्राम बना के स्टडी कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, और एक और डायग्राम के लिए ये रहा। आपको सब पेंसिल स्केल से बनाना है, ठीक है। एफ, सॉरी ये तो पी हो गया और ये हो गया एफ, ये हो गया सी, यहाँ पर भी लेबलिंग कर लेते हैं। ये हो गया आपका पी, ये हो गया एफ और ये हो गया सी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी और यहाँ पे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फाइनाइट एंड इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम फिर से देते हैं ए बी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं फिर से ए बी। इसको पेन से ही बना देते हैं ताकि आपको ईजी हो, थोड़ा जल्दी हो जाइए। पैरेलल रेस भेजते हैं यहाँ से, यहाँ से भी पैरेलल रेस भेजते हैं, सिर्फ 2 ही भेजिएगा क्योंकि 2 से काम हो जाएगा। तो ये लगेगा कि फोकस से निकला हुआ है, लगेगा कि फोकस से निकला, ये भी लगेगा कि फोकस से निकला, ठीक है। तो इमेज बन रहा है एट द फोकस, समझे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इसका फीचर क्या क्या हो गया। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, साइज, साइज यहाँ पे आप खुद बताइए, ये बहुत बड़ा था, ये हाईली डिमिनिश्ड हो गया, तो वही लिखा हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज हो गया। नेचर आप खुद बताइए, क्या ये असली रेज यहाँ पे मीट कर रहे हैं, नहीं, तो इसका नेचर हो गया वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट हो गया इसका फीचर। दूसरा हम यहाँ पे आप बनाते हैं, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, एक इमेज को आप एक रे को भेजिए पैरेलल, तो ये लगेगा कि फोकस से निकला हुआ है, ठीक है। और दूसरे को आप भेजिए सी पे डायरेक्शन लगा के, सी पे निशाना लगा के, ठीक है, सी पे आप निशाना लगाएंगे तो ये वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ये मतलब एक ही लाइन रहेगा, ठीक है, गलती से 2-3 बन गया यहाँ पे, ऐसे जाएगा ऐसे ही आ जाएगा, ये एक ही लाइन है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा इसका इमेज,
इसका नाम देते हैं ए डैश और यहाँ पे बी डैश। आप देखिए पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बिटवीन एफ एंड पी, और इसका साइज़ क्या हो जाएगा डिमिनिश साइज है, इसे बड़ा है ये छोटा है, और नेचर हो गया फिर से वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट का पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इमेज का पोजीशन बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर, और साइज हो गया डिमिनिश्ड छोटा, और नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया टोटल रे डायग्राम का काम खत्म। अब हम लोग मूव करते हैं यूजेस पे, तो इसको भी आपको एक बार खुद से बना के प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए देखते हैं उसका कुछ यूजेस पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। गाड़ी का जो साइड में जो दो मिरर लगा रहता है वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। इसी को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि दिस मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। वो पीछे का ट्रैफिक आराम से देख पाएगा उस मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर्स आर प्रिफर्ड बिकॉज, तो यही क्यों यूज़ किया जाता है रियर व्यू में, क्योंकि दे ऑलवेज गिव इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज। सीधा इमेज हमेशा दिखेगा तो ड्राइवर को टेंशन नहीं होगा, हमेशा सीधा उसको इमेज दिखेगा। पहला रीज़न तो हो गया ये कि दे ऑलवेज गिव इरेक्ट इमेज, और दूसरा रीज़न उसका ये है कि दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। अब चूंकि कॉन्वेक्स मिरर ऐसे कर्व होता है तो बहुत दूर दूर का भी अगर यहाँ पे कहीं भी आदमी खड़ा है तो वो सबका इमेज इस मिरर में बन जाएगा, तो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, दस कॉन्वेक्स मिरर्स इनेबल्स द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से बहुत कम एरिया देख पाते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर से ज़्यादा एरिया को हम लोग देख पाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा मिरर यूज़ करते हैं रियर व्यू मिरर में, तो आपको लिखना होगा कॉन्वेक्स मिरर। क्यों यूज़ करते हैं, दो रीजन से, नंबर वन इट गिव्स इरेक्ट इमेज, और नंबर टू इट प्रोवाइड्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू टू द ड्राइवर। ठीक है, तो ये हमने खत्म किया। चलिए कुछ क्वेश्चंस को लगे हाथ निपटा देते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये हमने कर लिया है। दूसरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए इसका हाफ कर देंगे, 10 सेंटीमीटर आंसर होगा। नेम अ मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा मिरर बताइए जो सीधा इमेज भी देता हो और बड़ा इमेज देता हो। हमने तो यहाँ पे देखा था कि सीधा इमेज तो ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, लेकिन दोनों ही केस में डिमिनिश्ड है। तो सीधा और बड़ा इमेज कौन सा दे रहा है, यही वाला देता है। तो आपको लिखना होगा कॉनकेव मिरर। देख रहे हैं ये बहुत ही स्पेशल केस है, नंबर 56 नंबर। ठीक है, तो देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा था। नंबर 4, व्हाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर को क्यों यूज करते हैं रियर व्यू में, बिकॉज ऑफ टू रीजंस, नंबर 1 इट ऑलवेज गिव्स इरेक्ट इमेज, नंबर 2 इट प्रोवाइड्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं साइन कन्वेंशन पे। अब काफ़ी ईजी है, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे फिर खत्म हो जाएगा। साइन कन्वेंशन क्या है, तो देखिए टोटल 5 यहाँ पे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। पहला, ये मान लीजिए कोई भी एक मिरर है, मान लीजिए कॉनकेव मिरर है ये, तो साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कंपैरिजन कर दीजिए। आपने 9 में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको बोलते हैं ओरिजिन, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी यहाँ पे एक्सटेस होता है, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, इधर होता है पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव, सबको पता है ये बात। तो इसमें बोला गया है कि आप यहाँ जो पोल होता है ना, इसको आप ओरिजिन से कंपेयर कीजिए। इसका मतलब जो भी डिस्टेंस हम लोग पोल के राइट में मेजर करेंगे वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, जो भी डिस्टेंस हम लोग पोल के लेफ्ट में मेजर करेंगे वो डिस्टेंस नेगेटिव होगा, अगर ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस होगा नेगेटिव में। समझ रहे बात क्या कह रही, इतना समझे। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस, हर डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से लेके पोल का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर यू से। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए इसका इमेज बन रहा है, तो इमेज से लेके पोल तक का डिस्टेंस को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर वी से। ठीक है, तो यू समझ गए, वी समझ गए। चलिए, और यहाँ पे फोकस होता है कहीं पे, इसको तो आपको पता ही है क्या बोलते हैं, स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो आप देखिए हर केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को यहीं पे प्लेस कर रहे थे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और जो इमेज है अगर इस साइड फॉर्म हो रहा है तो इमेज का साइन नेगेटिव में लिया जाएगा इमेज डिस्टेंस का, अगर इमेज उस साइड फॉर्म हो रहा है तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव में लिया जाएगा। और फोकल लेंथ कॉनकेव के केस में हमेशा इसी साइड लाई करता है, तो फोकल लेंथ कॉनकेव का हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ हमेशा उस साइड लाई करता है, तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा।
ठीक है, आप इस डायग्राम को देख लीजिए, यहाँ से आपको सब क्लियर हो जाएगा। थोड़ा पॉज करके कुछ समझ लीजिए, बाकी मैं हमने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेने से ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे वही 5 पॉइंट में लिखा हुआ है, तो लाइन वाइन पढ़ के फायदा नहीं है, हमने आपको जिस बता दिया, कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है, सबका एप्लीकेशन करना है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में बताया गया है, और देखिए एक चीज़ यहाँ पे छूटा, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका जो हाइट है, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट बोल लीजिए या फिर साइज बोल लीजिए ऑफ द ऑब्जेक्ट, सिमिलरली ये हो जाएगा हाइट या फिर साइज ऑफ द इमेज। तो ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा ऐसे खड़ा रहता है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में आएगा, एच, इसको एच से डिनोट करते हैं, स्मॉलर एच। और इमेज का साइज, इसको हम लोग एच डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये अगर खड़ा बना है तो पॉजिटिव में होगा, नीचे बना है तो नेगेटिव में होगा। चलिए इतना हमने समझ लिया, अब हम लोग अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि है मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। मिरर फार्मूला इसको बोलते हैं, मिरर फार्मूला होता है ये, 1/v + 1/u = 1/f। इसको आप याद कर लीजिए, यह है मिरर फार्मूला, जहाँ पे v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। सवाल में अगर मान लीजिए, सवाल में आपको क्या करेंगे, v दे देंगे, u दे देंगे, बोलेंगे f निकालो, या फिर कोई भी दो दे देंगे, तीसरा बोलेंगे निकालने के लिए, u f दे दिए तो आपको v निकालना होगा, v f दे दीजिए तो आपको u निकालना होगा, ठीक है। और कभी कभी सवाल में आपको f ना देके r देंगे इंडायरेक्टली, तो r से आपको f में निकालना होगा, r का हाफ करके, ठीक है। चलिए तो ये हमने समझ लिया मिरर फार्मूला। अगला टॉपिक है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन मतलब इमेज कितना बड़ा या फिर कितना छोटा बना है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मैग्नीफिकेशन को हम लोग स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं, वो होता है हाइट ऑफ इमेज, मतलब h डैश बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। एग्जाम में आएगा व्हाट इज या फिर डिफाइन मैग्नीफिकेशन, तो आपको लिखना होगा इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका एक और फॉर्मूला होता है m इक्वल टू हम लोग -v/uv करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये u है, तो अगर h और h डैश दिया है तो आप ऐसे निकालेंगे मैग्नीफिकेशन, और अगर v और u पता है तो हम लोग मैग्नीफिकेशन ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ पे एक माइनस होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग दोनों को कंबाइन करके एक ही फॉर्मूला लिख सकते हैं कि m इक्वल टू h डैश बाई h इक्वल टू -v/u। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए अगर m सॉल्व करते करते m का साइन अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब इमेज क्या है, वर्चुअल है। और अगर सॉल्व करते करते m का साइन नेगेटिव आ गया तो इमेज क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव साइन मीन्स इमेज इज रियल, पॉजिटिव साइन मीन्स इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। कभी कभी सवाल में आपको बोल देते हैं कि फाइंड स्टेट द नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर आपको m का साइन देख के बताना है। चलिए एक दो सवाल कर दें लगे हाथ, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आंसर करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है अ कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। तो देखिए एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर का एक हल्का सा रफ डायग्राम बनाएंगे ताकि थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ये हो गया कन्वेक्स मिरर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 3, तो कैपिटल R इक्वल टू 3 मीटर। 0.00 का तो वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ 3 लिखा हमने। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर चूंकि इस साइड होता है कॉन्वेक्स के केस में, तो ये हो गया पॉजिटिव, क्योंकि समझ रहे हैं ये ओरिजिन से उधर पॉजिटिव, तो R मिल गया। तो लगे हाथ F निकाल लेते हैं, F हो जाएगा हमारा 3/2, इसे इसको 2 से डिवाइड कर दिए। पॉइंट में आएगा तो पॉइंट का झंझट नहीं कर रहे हैं, ऐसे रहने देते हैं। दूसरा, इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो बस एक ऑब्जेक्ट है तो वो 5 मीटर की दूरी पर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है u = 5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग इसी साइड प्लेस करते हैं पोल के इस साइड में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे वो मिरर कॉन्वेक्स हो या फिर कॉन्केव हो, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा दीजिए। बोला है फाइंड द पोजिशन, पोजिशन पता करना है, पोजिशन मतलब कहाँ पर लोकेटेड है, मतलब हमें भी निकालना है, फिर नेचर निकालना है, नेचर हमें बताना है कि वो रियल है कि वर्चुअल है, और तीसरा साइज बताना है, ठीक है, मतलब एच डैश निकालना है। चलिए देखते हैं निकाल के,
तो हमें यू पता है, एफ पता है, तो बाई मिरर फॉर्मूला वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ। हमें निकालना क्या है, वी निकालना है, तो इसको इसी साइड रहने देते हैं और वन बाई यू को उस साइड भेजते हैं। तो वन बाई वी इक्वल टू वन बाई एफ, ये उधर जाएगा, माइनस वन बाई यू वैल्यू पुट करते हैं, ये यू है, कभी कभी फोर जैसा लिखा जाता है, तो वन बाई एफ, एफ बोले तो थ्री बाई टू, माइनस वन बाई यू, यू बोले तो माइनस फाइव। ठीक है, काफ़ी गंदा लिखाया हुआ है लेकिन अभी इसको सुलझा लेंगे। मतलब वन बाई वी इक्वल टू आ रहा है, अब ये देखिए ये टू ऊपर चला जाएगा, टू बाई थ्री, ये माइनस माइनस प्लस वन बाई फाइव। एलसीएम ले डालते हैं, फिफ्टीन, थ्री फाइव जा मतलब टेन, फाइव वन जा मतलब वन, इलेवन बाई फिफ्टीन, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, सॉरी फाइव थ्री जा होता है फिफ्टीन, तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री, तो ये हो गया थर्टीन, एक बार फिर से लिखते हैं, थर्टीन बाई फिफ्टीन। ठीक है, तो ये वन बाई वी आया है, थर्टीन बाई फिफ्टीन, हमें वी निकालना है, तो वी इसको उल्टा कर देते हैं, फिफ्टीन बाई थर्टीन डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.15 मीटर। ठीक है, तो पोजीशन हो जाएगा, अब चूंकि ये पॉजिटिव आया है मतलब उस साइड बना है इमेज। ठीक है, तो पोजीशन हो जाएगा 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक है, या फिर एट द बैक ऑफ द मिरर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर। थक गए क्या आप लोग, थोड़ा देर और ध्यान रख लीजिए, अभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस एंडिंग है, ये हो गया पोजीशन। दूसरा हमें बताना है नेचर, तो नेचर बताने के लिए हम हमेशा एम का साइन देखते हैं, वर्चुअल की रियल, तो हमें एम निकालना होगा। अब एम निकालने का फॉर्मूला हमने दो को देख रखा है, एच डैश बाई एच या फिर वी बाई यू, तो चूंकि यहाँ पे एच भी नहीं पता है, एच डैश भी नहीं पता है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, चलिए एम निकालते हैं, एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू, वी अभी अभी आया था, कितना आया था, 1.15, यहाँ पे माइनस भी है, और ये यू, यू हमारा कितना था, पीछे देख लेते हैं, यू था माइनस फाइव, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये माइनस माइनस कट गया और यहाँ पॉइंट के दो जीरो आया, इसको काट छाट करेंगे तो जैसा बुक में किया है 0.23 आता है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो m चूंकि आया पॉजिटिव, तो इसका मतलब नेचर हो गया क्या, नेचर हो गया वर्चुअल, नेचर ऑफ इमेज, और एक बात है, यहाँ पे एक बात बताना भूल गए थे, मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड, अगर m का वैल्यू 1 आता है तो इसका मतलब इसका साइज जो होगा ना सेम साइज होगा ऑब्जेक्ट का, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है, 1 से बड़ा आता है, तो इसका मतलब इमेज लार्ज होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और अगर m का वैल्यू 1 से कम आता है मतलब 0.2 या फिर 0.5 ये सब तो 1 से कम है ना, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज का साइज होगा वो स्मॉल होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, समझे। तो यहाँ पे जरा आप सोच के बताइए कि इमेज का साइज बड़ा है कि छोटा है, 0.23 1 से छोटा है, तो इमेज का जो साइज है वो होगा डिमिनिश्ड या फिर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, साइज हो जाएगा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और बुक में जो लैंग्वेज यूज किया है स्मॉलर इन साइज बाई अ फैक्टर ऑफ 2.3, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाई अ फैक्टर ऑफ 0.23, मतलब ऑब्जेक्ट का इतना गुना है इमेज का साइज। ठीक है, तो बस ये हो गया इस सवाल का आंसर, तो बुक में भी वैसे ही आंसर निकाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा सबसे पहले इन्होंने एफ निकाल लिया आर वाई टू करके, ये लोग पॉइंट में ला दिया लेकिन हम लोग बिना पॉइंट के कैलकुलेशन किए हैं, ये रहा वी आया था 1.15 और एम निकाला ये लोग आया 0.23। इमेज 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर, हमने लिखा बिहाइंड द मिरर बात एक ही है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इरेक्ट कैसे पता चला, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनाता है ये। ठीक है, इसीलिए इसको ऑटोमोबाइल रियर व्यू में भी यूज़ करते हैं, और स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपने ट्राई किया होगा, अब देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 10.2। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या लिखा हुआ है,
एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट खड़ा ही होता है तो ये प्लस में रहा। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो एक कॉनकेव मिरर है आपका और उसके 25 सेंटीमीटर आगे प्लेस किया गया है, तो यू है हमारा, यू है 25 सेंटीमीटर। अब चूंकि यू ऑलवेज नेगेटिव होता है तो यहाँ हम लगा दिया नेगेटिव, ठीक है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव में फोकल लेंथ भी इधर ही होता है तो ये भी हो गया नेगेटिव। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑप्टेन अ शार्प इमेज, तो इमेज ऑप्टेन करने के लिए कहाँ पे स्क्रीन लगाया जाए, तो हमें पता है स्क्रीन मतलब कहाँ पे इमेज ऑप्टेन होगा वो पूछना चाह रहा है इनडायरेक्टली, तो हमें भी निकालना है, भी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और क्या पूछ रहा है, फाइंड द नेचर, नेचर बताना है मतलब रियल की वर्चुअल वो बताना है, वर्चुअल की रियल बताना है और साइज बताना है, साइज मतलब एच डैश बताना है। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। यू एफ पता है, भी निकालना है, तो फिर से बाई मिरर फॉर्मूला, वन बाई भी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ, हमें भी निकालना है तो यू को उस साइड भेजते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, वन बाई वी इक्वल टू वन बाई माइनस 15 माइनस वन बाई माइनस 25, वन बाई भी इक्वल टू माइनस वन बाई 15, ये माइनस माइनस प्लस वन बाई 25, वन बाई भी इक्वल टू एलसीएम लेंगे दोनों का 75, 15 फाइव जा 25 थ्री जा, तो वन बाई भी आ रहा है हमारा माइनस 2 बाई 75, मतलब भी आ जाएगा 75 बाई 2 और कहीं भी माइनस लगा दीजिए, 75 का हाफ करेंगे तो आएगा कितना 37.5 और साथ में माइनस है तो एक आंसर तो आ गया, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट की इन बैक, तो चूंकि माइनस में है मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। अब निकालते हैं हम नेचर, तो नेचर निकालने के लिए हमें m निकालना होगा, तो चलिए m निकालते हैं। m इक्वल टू होता है माइनस v बाई यू, तो v अभी अभी आया हमारा माइनस 37.5 बाई यू, यू था माइनस 25, ठीक है। अब यहाँ पे है माइनस एक, ये वाला माइनस, ठीक है, तो ये माइनस तो खटिया लेकिन आ रहा है माइनस में 375 बाई, ये पॉइंटर के यहाँ पे जीरो आएगा 250, 25 का टेबल से काट देते हैं, 25 10 जा 25 वन जा 125 जा, तो आ रहा है माइनस 15 बाई 10। इसको और एक बार काट सकते हैं मन कर रहा है तो, 5 का टेबल से 5 3 जा बाई 5 2 जा, जो भी है m नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि नेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रियल इमेज हो जाएगा। एंड अब ये 1 से बड़ा है, भले ही माइनस है, माइनस का साइन, माइनस का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ वैल्यू देखिए आप, 1 से बड़ा है तो ये हो जाएगा यहाँ पे एनलार्ज्ड, ठीक है। नेचर हमने बता दिया, अब हमें निकालना है साइज। साइज निकालने के लिए हमें निकालना है एच डैश, तो हमें पता है एम इक्वल टू क्या होता है, एच डैश बाई एच, एम का वैल्यू अभी अभी आया है ये रहा, ये यूज़ कर सकते हैं नहीं तो ये यूज़ कर सकते, चलिए ये यूज़ करते हैं, थोड़ा ईजी लगेगा, माइनस 3/2 एच डैश हमें निकालना है और एच, एच का हमें वैल्यू दिया हुआ था 4, यहाँ पर डाल देते हैं 4, तो 2 2 जा एच डैश आ गया 3 2 जा माइनस 6, ठीक है सेंटीमीटर, तो ये हो गया एच डैश। तो बस यही है, देखिए बुक में भी यही सब आंसर निकाल कर रखा हुआ है, यहाँ पे सब सॉल्व करते गया ये लोग। ये रहा, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, हमने लिखा था इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन ये लोग भी निकाला है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन किया है लेकिन आंसर 6 ही आया है, हम लोग का भी आंसर कहाँ आया था, 6 सेंटीमीटर ही आया था। इमेज इज इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड, तो चूंकि रियल है तो इसीलिए रियल से पता चलता है कि ये इन्वर्टेड होगा और इनलार्ज ये 1 से बड़ा है उससे हमने लिखा इनलार्ज, ठीक है, समझ रहे हैं आंसर कैसे दिया जाता है। चलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, दोनों सवाल को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एंड करने से पहले। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32, रेडियस दिया है फोकल लेंथ पूछा है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, बताइए आंसर कितना होगा, इसका हाफ कर देंगे 16 सेंटीमीटर हो जाएगा।
चलिए दूसरे क्वेश्चन में मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है 3 times, मतलब m इक्वल टू 3। अब साइन क्या होगा इसका, चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रियल इमेज तो साइन हो जाएगा -3। ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 centimeter इन फ्रंट ऑफ इट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 10, मतलब u इक्वल टू 10, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है। पूछा क्या है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज डिस्टेंस पूछा है आपसे, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो m u v से कौन सा फॉर्मूला बनता है, m इक्वल टू -v/u, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। m का वैल्यू पुट करते हैं -3, माइनस वी का पता नहीं, u है -10, ये कट गया तो v आ गया -30 centimeter। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे लोकेटेड है, इमेज लोकेटेड होगा अगर यहाँ पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी चूंकि माइनस में है तो इसी डायरेक्शन में होगा, ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट 30 centimeter इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज से भी निपटा देते हैं, ये जो रिफ्रैक्शन है इसको हम लोग पार्ट टू में करेंगे, ये इसमें लेंस का काम होगा, ये खत्म होगा। काफ़ी सारा सिमिलर है, आज के पार्ट से सिमिलर होगा पार्ट टू। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले देखते हैं। द इमेज फॉर्म बाई कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट। अब कॉन्केव मिरर तो एक ही केस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, समझ गए ना, वो कौन सा केस है, 6th केस। वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा उसमें, तो 6th केस में हमें याद है हम लोग एफ और पी के बीच में रखते थे इमेज को, तो बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड नहीं बिटवीन बिटवीन अच्छा बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, तो डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन छूट रहा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वो उस टॉपिक से रिलेटेड है। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, कहीं भी आप खड़े हो जाए आप सीधा ही पाते हैं अपने आप को, तो वो कौन सा है, कौन सा मिरर है वो। तो यहाँ पे हमें पता है कि सीधा ही आपको दिखना है तो वो तो प्लेन में होता है, और कॉन्वेक्स केस में भी हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, तो इसका आंसर होगा प्लेन और इरेक्ट कॉन्वेक्स। ठीक है, डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सीधा इमेज चाहिए यूजिंग अ कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव से सीधा तो एक ही केस में बनता है, समझ गए होंगे कौन सा केस है वो, 6th केस। ऑफ फोकल लेंथ 15 centimeter, फोकल लेंथ भी दे दिया है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा। तो देखिए ये हो गया हमारा एक कॉन्केव मिरर, ये हो गया सी, ये हो गया एफ और ये हो गया पी। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को इसी डिस्टेंस में रखना है, कहीं पर भी रख दे आप यहाँ पे। तो पूछा है रेंज, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस, तो रेंज क्या होगा, बिटवीन 0 and 15 centimeter। तो रेंज हम ऐसे लिख सकते हैं, जीरो से बड़ा लेकिन 15 से छोटा। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो आप बिटवीन 0 and 15 centimeter ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो हमें सबको पता है इसका इमेज कैसा बनेगा, यहाँ पे बनता था वर्चुअल इमेज बनता था। ठीक है, ये हो गया नेचर, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, आपको पता है लार्जर होगा यहाँ पे, ड्रॉ अ रे डायग्राम, तो डायग्राम ही बना देना है, कर लीजिएगा आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन, तो हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव, रियर व्यू में कॉन्वेक्स, सोलर फर्नेस में कॉनकेव, रीजन देना है, रीजन कैसे दिया जाता है आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 न्यूमेरिकल है, आपको करना है, समझा देते हैं हम, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 centimeter, तो यू दिया है 10 और यू हमेशा नेगेटिव होता है तो -10, कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ है 15, चूंकि कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो +15। हल्का सा एक रफ डायग्राम बनाएगा आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, फाइंड द पोजिशन नेचर ऑफ इमेज, तो वी निकालना है आपको और उसका नेचर बताना है, तो एम भी निकालिएगा, प्लस माइनस देख के एम का आप नेचर बता पाइएगा। ठीक है, चलिए साइज पूछता तो एम का वैल्यू चेक करते हैं, 1 से बड़ा है कि इक्वल है कि छोटा है। ठीक है, तो सब लिखते हैं जो भी साइज होता। फिर क्वेश्चन नंबर 13, और इसका आंसर आप करने का बाद ना, पीछे बुक का पीछे एक आंसर भी होता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, बहुत बच्चे को ये पता नहीं होता है। चैप्टर नंबर 10 और यहाँ पे जो कौन सा था क्वेश्चन नंबर अभी 12 सॉरी चैप्टर नंबर 10 यहाँ पे है और नंबर 12 ये रहा, ऐसे कुछ आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आंसर आप मिला लीजिएगा करने का बाद। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, लिखा हुआ है द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, मैग्नीफिकेशन 1 है, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है। तो 1 का मतलब हमें पता है कि इमेज का जो साइज है वो एज सेम साइज है एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो ऑब्जेक्ट साइज एच दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, प्लस में होगा ये, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो यू दिया है 20 सेंटीमीटर, तो माइनस 20 सेंटीमीटर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, तो एफ निकाल लेंगे 15। तो चूंकि ये है कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स है, तो एफ हो जाएगा प्लस 15। ठीक है, पोजिशन नेचर साइज आराम से निकाल लेंगे, चलिए करके पीछे से आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट साइज फिर से दिया है एच इक्वल टू 7 प्लस में, इस प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यू दिया है माइनस 27, यू हमेशा माइनस होता है, ऑफ फोकल लेंथ 18, तो ऑफ कॉनकेव है, फोकल लेंथ होगा नेगेटिव में, माइनस 18 हो जाएगा यहाँ पे। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शूट अ स्क्रीन बी प्लेस, जब भी स्क्रीन का बात हो रहा है मतलब वो इंडायरेक्टली आपसे भी पूछ रहा है, इमेज कहाँ पे ऑप्टेन होगा पूछ रहा है, भी निकालिएगा आराम से मिरर फॉर्मूला यूज करके, फाइंड द साइज एंड नेचर, साइज एंड नेचर भी आराम से बता सकते हैं एम निकाल के। ठीक है, चलिए फिर इतना आपको होमवर्क जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 13 तो हम कर ही दिए, 12, 14, 15 ये तीन न्यूमेरिकल आपको घर में करना है। कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं आपको क्या क्या अंडरलाइन करना है। यहाँ से सबसे पहला देखिए, यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अंडरलाइन किया गया है, ये रहा दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको ऐसे ही अंडरलाइन करना है ब्लू पेन से। फिर यहाँ पे प्लेन मिरर का कैसा इमेज बनता है वो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन, कॉनकेव कॉन्वेक्स का डेफिनेशन, रटना नहीं है सिर्फ पढ़ के समझना है, कभी आपसे पूछेंगे नहीं कि डिफाइन कॉनकेव मिरर, ऐसा सवाल कभी नहीं आएगा। पोल क्या होता है ये रहा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, कॉनकेव में फ्रंट में लाई करता है, कॉन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर लाई करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट करते हैं, यहाँ पे जो अंडरलाइन किया वो उतना कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन है, आपको लिखवा भी दिए थे, ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, बाद में आपको हेल्प करेगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है फोकल लेंथ को स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, आर इक्वल टू 2f का रिलेशन यहाँ पे, इसको अंडरलाइन कीजिए। और फिर यहाँ पे हमने ये टेबल देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ के एक बार प्रैक्टिस करना है इसको। फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है हमने देखा, और ये रहा हमारा चार हथियार, कुछ याद नहीं करना है यहाँ से, सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, कि ये कैसे कैसे काम करता है, याद करना है आपको ये छः हो इमेज। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इसको आप खुद से बना के। ठीक है, फिर हमने देखा यहाँ पे यूज़, जो ब्लू से अंडरलाइन किया हुआ है वो यूज़ है, जो ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है वो उसका रीज़न है। ठीक है, कि क्यों उसमें यूज़ होता है। फिर हमने देखा ऐसे ही कॉन्वेक्स के केस में दो डायग्राम यहाँ पे, और ये टेबल आपको रेडी करना है। फिर यहाँ पे हमने देखा कॉन्वेक्स का यूज़, और फिर ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे है, साइन कन्वेंशन हमने आपको बता ही दिया, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं रीडिंग दे सकते हैं 5 पॉइंट। फिर है हमारा मिरर फार्मूला, ये रहा 1/v + 1/u = 1/f, और ये रहा मैग्नीफिकेशन, ये रहा डेफिनेशन, स्मॉल लेटर एम से डिनोट करते हैं, और ये रहा मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। और यहाँ पे बताया गया कि अगर नेगेटिव साइन हुआ तो रियल होगा, पॉजिटिव साइन हुआ तो वर्चुअल होगा। ठीक है, और यहाँ से तो फिर क्वेश्चन से शुरू था। तो इतना ही है फिर ये वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए। मेरे को पता है कि वीडियो हम बहुत फास्ट कवर किए हैं, लेकिन फास्ट नहीं करते तो ये वीडियो पता नहीं 2-3 घंटा का बन जाता। आपको वीडियो हो सकता है एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देखिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, और कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में भी पूछिएगा। ठीक है, तो इतना ही है फिर, वीडियो को अच्छे से देखिए और जो भी होमवर्क दिए हैं उसको जरूर कवर कीजिए, टेलीग्राम प्रैक्टिस कीजिए, और वो 3 सवाल जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर एंड करते हैं, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन कवर करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, वीडियो में अगर कोई नॉइज़ आया है तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, बहुत कोशिश की है नॉइज़ को कम करने का, लेकिन फिर भी अगर कोई नॉइज़ रह गया होगा तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट, और इस चैप्टर के ऊपर आज का वीडियो पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और स्फेरिकल मिरर्स। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो पार्ट 2 में हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लेंसेज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। उससे पहले आप दो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दो मीडियम है, एक मान लीजिए ये है एयर, हवा, और यहाँ पे मान लीजिए ये है ग्लास। ठीक है,
जैसे ही कोई मान लीजिए यहाँ पे लाइट रे ऐसे करके आ रहा है ऑब्लिकली, ठीक है, स्लैंटिंगली आ रहा है और इस पर स्ट्राइक करता है, तो यहाँ पे हमारा बना हुआ है नॉर्मल। तो इस लाइट रे को जाना कैसे था, ऐसे सीधा चला जाता अगर यहाँ पे नॉर्मली एक ही मीडियम होता तो, लेकिन चूंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है, और एयर को बोल सकते हैं ये क्या है, रेयरर मीडियम है, थोड़ा कम गाढ़ा है ये, और ये है डेंसर मीडियम, ठीक है, ये थोड़ा डेंस है ग्लास, तो इसलिए ये लाइट रे का जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगा। अब आप ही सोचिए कि किस में चलना ज़्यादा आराम होगा, एयर में चलना ज़्यादा आराम होगा कि ग्लास में चलना ज़्यादा आराम होगा, तो एयर में चलना ज़्यादा आराम होगा, इसलिए यहाँ पे जो स्पीड है वो थोड़ा हाई है, और जैसे ही ये लाइट ग्लास में एंटर करता है तो इसका स्पीड थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, और ये लाइट रे ऐसे ना इस डायरेक्शन में ना जाके थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड करता है और इस डायरेक्शन में मूव करता है। समझ रहे बात का गहराई? तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमने समझ लिया रिफ्रैक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है। तो जब भी लाइट कोई डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो लाइट रे बेंड कर जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और एक चीज़ समझिए कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। स्पीड ऑफ लाइट इसका वैल्यू आपको याद करके रखना है, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हवा में या फिर वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो ये वैल्यू आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है इन्होंने रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन। ये था रिफ्रैक्शन पूरा, यहाँ से आपको उतनी ज़्यादा पढ़ना है। आप यहाँ पे देखिए, ये रहा, इट अपियर्स डैट व्हेन ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम चेंजेस, ठीक है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो दिस फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, समझ में आ गया। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिमिलरली अब कोई बच्चा अगर ऐसे सोचे कि मान लीजिए यहाँ पे पहले था वाटर और यहाँ पे मान लीजिए एयर है, तो अभी डेंसर मीडियम कौन है दोनों में, ये है डेंसर मीडियम और ये है रेयरर मीडियम। तो इस केस में क्या होगा, जब लाइट रे ऑब्लिकली यहाँ पे स्ट्राइक करता है थोड़ा टेढ़े होके, ठीक है, तब क्या होता है, इस लाइट रे को जाना कैसे था, सीधा ऐसे चला जाता, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, ठीक है। लेकिन अब चूंकि यहाँ से यहाँ जब रेयरर मीडियम पे आता है तो इसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए लाइट रे अब इधर का तरफ मूव कर जाएगा। डिफरेंस समझ रहे हैं दोनों में, इसमें टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया था, इसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड किया है, इधर ना आके उधर चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चूंकि लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका स्पीड इंक्रीज हो गया। यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होते ही ज़्यादा जोश में आ गया और उधर मूव कर गया, और यहाँ पे इसका स्पीड डिक्रीज हो गया था, इसलिए थोड़ा नीचे की तरफ मूव कर गया। समझ रहे हैं, ईजी है डिफरेंस समझना। तो दोनों ही केस में इस पॉइंट में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। और ये चूंकि रे आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं फिर से इंसिडेंट रे। इसको तो आपको पता ही है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। और ये रे चूंकि रिफ्रैक्शन के बाद मिला है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो इतना समझ में आया, ये हमने समझ लिया रिफ्रैक्शन क्या होता है और क्या क्या टर्म्स होता है, ठीक है। इस बात करें कुछ एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन का, तो आपने देखा होगा कि अगर ग्लास में, अगर मान लीजिए ये शीशे का ग्लास है और इसमें थोड़ा सा पानी है, अगर इसमें आप पेंसिल को डुबोएंगे तो पेंसिल आपको थोड़ा यहाँ से उठा हुआ लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, इसलिए हमें उठा हुआ ऐसा लगता है, लेकिन असलियत में क्या वो उठा हुआ है पेंसिल, यहाँ पे बेंड हुआ है क्या, नहीं हुआ है। सिमिलरली अगर आप एक गिलास पानी में कोई यहाँ पे कॉइन रख दें यहाँ पे, तो आपको वो लगेगा कि कॉइन थोड़ा कम हाइट पे है, यहाँ पे आपको कॉइन दिखेगा, लेकिन ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। तो हमें ऊंचा ये क्यों दिख रहा है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। चलिए तो ये हमने समझ लिया रिफ्रैक्शन क्या होता है। अंडरलाइन क्या करना है, अब यहाँ से कुछ भी अंडरलाइन मत कीजिए, ठीक है। बुक में जैसे अंडरलाइन किया हुआ ऐसे अंडरलाइन नहीं करना है, फालतू में बुक गंदा होगा। अभी बताएंगे आपको कि कैसे अंडरलाइन करना है, ठीक है, अभी सिर्फ समझते जाइए। अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये देखते हैं कि किसी ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। चलिए तो
तो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाते हैं यहाँ पे पहले। तो ये है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मीडियम अगर हो गया तो ये बाहर में हमारा मीडियम है एयर जो कि है रेयरर मीडियम, और ये अंदर में है ग्लास जो कि है डेंसर मीडियम, ठीक है। ये ग्लास का स्पेलिंग GLASS, यहाँ पे लिख सकते हैं रेयरर, और ये है डेंसर। अब देखिए क्या होता है, अगर लाइट रे यहाँ पे ऑब्लिकली फॉल करता है, अच्छा तब से हम बोल रहे हैं कि लाइट रे टेढ़ा फॉल करेगा तो ऐसा ऐसा होगा। क्या होगा अगर लाइट रे सीधा फॉल कर जाए तो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए ये कोई सेपरेटिंग सरफेस है, ये यहाँ पे एयर था और ये यहाँ पे मान लीजिए ग्लास था। तब से हम बोल रहे हैं कि लाइट रे अगर ऐसे फॉल करेगा तो वो ऐसे ना जाके टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, ठीक है ना। अगर ये टेढ़ा फॉल ना करके, ऐसे फॉल ना करके अगर क्या होगा, अगर सीधा ही फॉल कर जाए लाइट रे तब क्या होगा, ठीक है, तब कुछ नहीं होता है, तब ये लाइट रे सीधा ही निकल जाता है, ठीक है। उसके लिए हम जब भी पढ़ते हैं तो ये केस को ज़्यादा नहीं लेते हैं, हम लोग इसी केस को लेते हैं, इसे समझने में आसानी होता है। यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है लेकिन ये परपेंडिकुलर है तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन का। तो यहाँ पे एक रे, इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है ऑब्लिकली, ठीक है, यहाँ पे कुछ हरकत होगा, नहीं तो ये कैसे चला जाता, सीधा चला जाता, ठीक है, इतना समझे। यहाँ पे बना लेते हैं एक नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल। अब ये क्या करेगा, क्योंकि लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है तो लाइट बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब इधर कहीं बीच में आएगा। तो बना लेते हैं, ये रहा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया। अब यहाँ पे फिर से ये ग्लास है और ये फिर से एयर है, तो लाइट फिर से एक बार मीडियम चेंज कर रहा है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम एक नॉर्मल बनाए, ठीक है, तो ये लाइट रे को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे सीधा जाता ना, ये ऐसे सीधा जाता, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, उस दिशा में जाएगा, समझ रहे हैं, ये निकल जाएगा ऐसे। तो ये लाइट रे यहाँ से आया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से निकला, इतना समझे। चलिए यहाँ पे बात करें इस एंगल को, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल बिटवीन ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिमिलरली यहाँ पर भी ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये इतना सा हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझे यहाँ तक कि नहीं समझे, चलिए। अब थोड़ा यहाँ पे नाम देते हैं जरा इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को, हम लोग यहाँ पे ए बी सी डी नाम दे देते हैं, और यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है, इस पॉइंट को ई देते हैं, इस पॉइंट को ओ, इस पॉइंट को ओ डैश, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा एच, और तो कुछ काम का नाम नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल को चाहे तो एन एन डैश दे सकते हैं, और इसको एम और एम डैश यहाँ पे नाम दे सकते हैं। अब समझते हैं, तो यहाँ पे ई और ई ओ जो रे है इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलेंगे। ओ ओ डैश को क्या बोलेंगे, ये ओ डैश है यहाँ पे, डैश नहीं दिख रहा है, ओ ओ डैश को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और ओ डैश एच को क्या बोलेंगे, ये चूंकि निकल रहा है तो इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, इतना समझे। चलिए अब ये देखिए, यहाँ पे एक बात आप फीचर नोट करेंगे कि ये जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है ना, ये जो डॉटेड लाइन है इसको क्या, सिर्फ ई ओ तो इंसिडेंट रे था, लेकिन ये डॉटेड लाइन को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, क्योंकि ये उसके डायरेक्शन में आ रहा है, और ये इमर्जेंट रे, आप देखेंगे ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों को हमेशा पैरेलल बनाइएगा एग्जाम में। अब ये पैरेलल क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये जो बेंडिंग है ना, यहाँ पे जितना बेंड किया है नीचे उतना ही बेंड किया है यहाँ पे ऊपर, तो ये जो बेंडिंग हो रहा है यहाँ पे वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, उसीलिए ये जो इंसिडेंट, ये जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है, दोनों क्या है, पैरेलल होता है, समझे। तो अभी तक हम जो भी बोले, अब देखते हैं बुक में वो सब कैसे लिखा हुआ है। तो ये देखिए बुक में ये डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द लाइट रे एट पॉइंट ओ हैज़ एंटर्ड फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। पॉइंट ओ पे लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर किया है।
तो उसी लिए द लाइट रे हैज़ बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंट हो गया है। अब ये सब वर्ड याद कर लीजिए, हाँ, बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, बार बार रिपीट होगा। एट पॉइंट ओ डैश, इस ओ डैश पॉइंट पे लाइट रे कहाँ से एंटर किया है, ग्लास से एयर में मूव किया है, मतलब बोल सकते हैं डेंसर से रेयर में मूव किया है, उसी लिए द लाइट रे हैज़ बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ रहे हैं बात का गहराई, यहाँ पे ये हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ई ओ जो है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ओ ओ डैश को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और ओ डैश एच, ये रहा हमारा ओ डैश एच, इसको बोलते हैं हम लोग इमर्जेंट रे, ठीक है। और यू मे ऑब्जर्व दैट द इमर्जेंट रे, ये इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इससे पैरेलल है ये दोनों, ठीक है, मतलब ये दोनों रे पैरेलल है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों ये दोनों पैरेलल है, इस ऐसा इसलिए है क्योंकि द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, ये जितना बेंड हुआ है ना ऑफ द रे और लाइट एट द ऑपोजिट पैरेलल सर्फेस, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, इसको बोलते हैं ऑपोजिट पैरेलल सर्फेस, तो यहाँ पे जितना बेंडिंग हुआ है उतना ही बेंडिंग यहाँ पे हुआ है, लेकिन ऑपोजिट हुआ है वो रहा, वो यहाँ पे लिखा है कि द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट एट ए बी एंड सी डी ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है, जितना बेंड यहाँ किया है उतना ही बेंड वहाँ किया है, इक्वल है लेकिन ऑपोजिट, ये इधर बेंड किया है वो उधर बेंड किया है, समझ रहे हैं। तो दैट इज वाई द रे इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, उसी लिए जो इमर्जेंट रे है उसके पैरेलल है, ठीक है यहाँ पर। चलिए और यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्शन होता क्यों है, तो रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, तो लाइट का स्पीड चेंज होता है उसलिए रिफ्रैक्शन होता है। अगर यहाँ पे एयर एयर ही रहता तो कुछ हमें देखने को नहीं मिलता, लाइट सीधा निकलता, ठीक है। तो चूंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रहा है उसलिए रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे क्या एक स्पेशल फीचर हमें देखने को मिलता है वो हमने देखा, ठीक है कि नहीं। ठीक है चलिए, कुछ अंडरलाइन नहीं करना है, सिर्फ समझते जाइए ध्यान से, अभी थोड़ी देर में हम बता देंगे कैसे आपको नोट्स बनाना है। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस क्लास में हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन। तो देखिए पहला लॉ वही है सेम टू सेम रिफ्लेक्शन जैसा ही, कि द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। वही बोला गया है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों ही इस पॉइंट पर सेम प्लेन पर लाई करते हैं। सेम प्लेन पर लाई करने का मतलब क्या होता है, हम समझा ही चुके हैं कि एक ही प्लेन पर है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर से आके ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाए या फिर नीचे की तरफ चला जाए, एक ही प्लेन में रहेगा। दूसरा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कॉन्स्टेंट, बोलने का मतलब है। और अच्छा, इस डायग्राम में यहाँ पे आई और आर हमने दिया, अब ये आई और ये आई सेम नहीं है, ये एंगल डिफरेंस है, तो इसको आई वन दे सकते हैं और इसको आर वन दे सकते हैं, ठीक है, ये सिर्फ आर था, ये आई था, ये आई वन आर वन। चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ था द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कॉन्स्टेंट फॉर अ लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, बोलने का मतलब है कि मान लीजिए ये कोई स्पेशल कलर का लाइट है, ठीक है, वही मान लीजिए ग्रीन कलर का लाइट है और यही मीडिया में दोठो एयर और ग्लास, तो ऐसा होने से क्या होता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको साइन बोलते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, दोनों का जो रेशियो है, ये बाई निकालने का मतलब रेशियो, ठीक है, वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो बोलने का मतलब है अगर सेम ग्रीन कलर का लाइट और सेम एयर और ग्लास मीडियम से अगर पास कराए, अभी तो ऐसे पास कराए ना, अब हो सकता है आप ऐसे पास कराए, मान लीजिए पहले 60 डिग्री था, मान लीजिए आप 75 डिग्री पे पास कराते हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, ठीक है। तो जैसे भी पास कराए, हर बार जब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, वो उतना ही आएगा, सेम टू सेम आएगा, 3R आए, मान लीजिए 3 आया, ठीक है, तो आप अगर आप किस भी डायरेक्शन में भेजिए, टेढ़ा करके भेजिए, यहाँ से एंगल भेजिए, यहाँ से लाइट भेजिए, ठीक है, कहीं से भी लाइट भेजिए, दोनों का रेशियो जब निकालेंगे तो ये 3 ही आएगा, अगर लाइट ग्रीन ही लाइट हो और यही दोनों मीडियम हो तो, समझे कि नहीं समझे। तो वही यहाँ पे लिखा है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ गए ना, साइन आई और ये है साइन आर, वो कॉन्स्टेंट है फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर, ठीक है, मान लीजिए कोई ग्रीन कलर है तो, या फिर कोई भी कलर है और कोई भी पेयर ऑफ मीडियम में एयर ग्लास रहा तो उसके लिए कांस्टेंट होगा, भले किस भी एंगल में भेजिए आप, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे साइन 60 डिग्री या फिर यहाँ पे जो भी एंगल आएगा, तो वो बार बार सेम वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं
इस लॉ को हम लोग बोलते हैं, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आपको ये नंबर टू वाला जो लॉ है ये पूरा लिखना होगा और साथ में ये लिखना होगा कि अगर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो साइन आई बाई साइन आर कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। और इसी कॉन्स्टेंट को हम लोग स्पेशल नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। ये क्या बड़ा सा लिखा हुआ है, समझते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अगला टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर्च से समझने से पहले आप यहाँ पे एक लाइन को याद कर लीजिए कि लाइट ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट का स्पीड जो स्टार्टिंग में बोला गया था आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है। वैक्यूम मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे एयर भी ना हो, तो वैक्यूम हो या फिर एयर हो दोनों ही जगह पे स्पीड ऑफ लाइट इतना ही होता है, फास्टेस्ट है ये स्पीड ऑफ लाइट, इसको याद कर लीजिए। चलिए समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए कोई एक लाइट रे है जो ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू में, ठीक है। और मान लीजिए मीडियम वन में स्पीड ऑफ लाइट है v1 और मीडियम टू में स्पीड ऑफ लाइट है v2, इतना ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज गिवन बाई द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए ये कोई दो मीडियम है, ये है मीडियम वन, एयर हो ग्लास हो जो भी हो वाटर हो, और ये मान लीजिए मीडियम टू है। और मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट रे एंटर कर रहा है, ये नॉर्मल है, और मान लीजिए ये बेंड कट गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे इसका स्पीड था v1, इसका स्पीड था v2, तो हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक है, n, या फिर कोई कोई बुक में ये साइन यूज़ किया होता है, इसको बोलते हैं म्यू, ग्रीक लेटर है ये म्यू। ये आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी किया था इसको, माइक्रो बोल के वहाँ पर हमने समझा था कि 1 μ = 10⁻⁶ इसका वैल्यू होता था, माइक्रो एम्पियर, याद होगा आपको कुछ। फिलहाल आप इसको छोड़िए, इस पर नहीं जाते हैं अभी। आप इसमें याद रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नोटेशन क्या है, एन, स्मॉल लेटर एन, या फिर ये ग्रीक लेटर म्यू से भी डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, इसको हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ठीक है। एन और सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे में टू और वन लिखेंगे, वो होता है इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन मतलब v1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू मतलब v2। समझे कि नहीं समझे ये फॉर्मूला? इस फॉर्मूले से निकलेगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ये, जो कि होता है v1 बाई v2। अब इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, फिलहाल आप इसको फॉर्मूले को याद कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज गिवन बाई रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू मीडियम वन मीडियम टू। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो आपको ऐसे ये पूरा यहाँ से यहाँ लिखना होगा। अभी बता देंगे कि अंडरलाइन करना है और ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर यहाँ पे टू और वन है तो यहाँ पे वन और टू होता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। सिमिलरली अगर आप इसको इंटरचेंज करेंगे ना, एन वन टू अगर लिखेंगे तो क्या मिल, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, ये आपको मिल जाएगा। तो अभी तक अभी जो भी बताया गया है आपको, आपको बहुत टफ लग रहा होगा ये चीज़, अभी आपको थोड़ी देर में और भी अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है, घबराइए मत। अभी देखिए तो अभी तक हमने क्या क्या समझा इसको एक बार रिकैप करते हैं। अगर कोई लाइट रे कोई भी मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं मान लीजिए ये मीडियम वन था और ये मीडियम टू, तो हम लोग बोलते हैं अगर इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू हमें निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, तो वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, ठीक है, ये वन इधर और ये टू इधर, इतना समझा हमने। अब देखिए अगर ये मीडियम वन जो है ना वो अगर एयर या फिर वैक्यूम हो जाए, VACWM, इसका स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये मीडियम वन वैक्यूम या फिर एयर हो जाए तब हम लोग इसको ऐसा लंबा चौड़ा शब्द नहीं बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस ना बोल के हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, अगर मीडियम वन एयर या फिर वैक्यूम हुआ उस केस में। और किसी किसी को अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलने का भी मन नहीं है तो हम लोग उस केस में क्या बोलते हैं, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एयर है और यहाँ पे ग्लास है, तो अगर एक मीडियम एयर है तो हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ऐसे बोल देते हैं,
या फिर किसी को लंबा चौड़ा बोलने का मन है तो वो क्या बोलेगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोलेगा। बात तक रही, समझ रहे हैं यहाँ पे? तो देखिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ मीडियम वन इज वैक्यूम और एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और इसको सिंपली हम लोग एन टू से डिनोट कर देंगे। यहाँ पर ये यह अगर मीडियम वन है और ये अगर मीडियम टू है तो यहाँ पे एन टू, वन लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि वन एयर या फिर वैक्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझे? तो देखिए अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसी भी मीडियम का निकालना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है दूसरा मीडियम के बारे में, इसका मतलब दूसरा मीडियम क्या है, एयर है या फिर वैक्यूम है, तो वो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम कितना होता है, अभी हमने याद किया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम है वो, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को स्मॉल लेटर सी से डिनोट करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को जो भी वी से डिनोट कर दीजिए, ठीक है? चलिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलिए या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलिए, बात एक ही है, ठीक है? दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए कोई हमें अगर ऐसे बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब बोल सकते हैं एन डब्ल्यू, ऐसे कोई अगर बोल रहा है कि 1.33 है, तो इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? तो इस स्टेटमेंट से हम ये समझते हैं कि एन डब्ल्यू जो है वो कैसे निकला होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर वो है 1.33। तो इस स्टेटमेंट से हम ये समझते हैं कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 1.33, समझे? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये देखिए यहाँ पे अगर कहीं लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, मतलब एन डब्ल्यू 1.33 अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स डैट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.33। बस इतना सा आपको लिख देना है, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब देखिए, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज़्यादा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का अगर मान लीजिए कम है, ठीक है, तो इसका मतलब मान लीजिए इसका रिफ्रैक्ट किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n का, मान लीजिए n मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए 4 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए 5 है, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा होगा, स्पीड ऑफ लाइट इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि ये थोड़ा रेयरर है और ये थोड़ा डेंसर है, समझ रहे हैं? ये थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है, ये थोड़ा कम गाढ़ा है, इसलिए लाइट यहाँ पे तेज़ी से जाएगा कंपेयर टू इसमें, ठीक है? तो इसका वैल्यू से हम लोग ये समझते हैं। तो इस टेबल को देखें, यहाँ पे कुछ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है या फिर बोल सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे देखने से पता चलता है कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लोएस्ट है और यहाँ पे हाईएस्ट जो है वो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, 2.42। तो इसका मतलब आप इस क्या समझते हैं, देखिए अगर कोई आदमी बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अगर 1.0003 है और कोई बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड मान लीजिए ये दिया हुआ है 2.42, तो इससे आप क्या समझते हैं? तो इससे ये समझ में आता है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है ना, इसका मतलब लाइट का स्पीड वहाँ पे उतना ही कम होगा, लाइट को यहाँ पे ट्रैवल करने में उतना ही ज़्यादा दिक्कत होगा, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूँकि लो है इसका मतलब यहाँ पे लाइट काफ़ी ईजिली आराम से ट्रैवल करेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लाइट आराम से ट्रैवल नहीं कर पाएगा, समझे कि नहीं समझे? ये आँख है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जो एयर है ना, इसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो एयर का लोएस्ट है और डायमंड का ऑप्टिकल डेंसिटी हाईएस्ट है। अभी तक जो हम बोल रहे थे कि एयर रेयरर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम है, वो हम बोल रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू लाइट, ठीक है? एक जो आपने डेंसिटी पढ़ा होगा छोटे क्लास में जो कि होता है मास बाई वॉल्यूम, उस डेंसिटी का यहाँ पर बात नहीं हो रहा है। ये डेंसिटी मतलब गाढ़ापन, ठीक है? मतलब हमने पढ़ा था कि केरोसिन, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि केरोसिन का डेंसिटी लो होता है और वाटर का डेंसिटी हाई होता है विथ रिस्पेक्ट टू मास, ठीक है? मतलब ये ज़्यादा गाढ़ा होता है, ये कम गाढ़ा होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे वाटर का हाई बताया गया है ना, यहाँ पे आप देखिए वाटर और केरोसिन का तुलना में वाटर का लो है ऑप्टिकल डेंसिटी और केरोसिन का हाई है। तो ये डेंसिटी जो है वो लाइट वाला डेंसिटी से बात किया जा रहा है, मतलब जिसको ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। यहाँ पे लाइट इजिली ट्रैवल करेगा वाटर में, केरोसिन में दिक्कत होगा लाइट को ट्रैवल करने में थोड़ा, ठीक है? तो वही यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी का बात कर रहे हैं, ये जो रेयरर है वो बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है? तो ये बात यहाँ पे थोड़ा क्लियर करना था, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, बस नॉलेज के लिए था ये। यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्टिकल डेंसिटी, चलिए
तो अभी तक हम लोग जो भी रेयरर मीडियम या फिर डेंसर मीडियम बोल रहे थे वो बोल रहे थे ऑप्टिकल सेंस में, मतलब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम था वो एक्चुअली में, और डेंसर मीडियम बोलने का मतलब था ऑप्टिकली डेंसर मीडियम था एक्चुअली में। लेकिन फिर भी अगर आप लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं और सिर्फ डेंसर मीडियम लिख रहे हैं, इसका मतलब वो अंडरस्टूड है कि आप ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन अ रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हाई होता है, सबको पता है, देन द डेंसर मीडियम। दस अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू अ डेंसर मीडियम स्लोज डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर कोई लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ आ रहा है तो उसका स्पीड स्लो हो जाएगा और वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। और वेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर, तो पता ही आपको क्या होगा, जोश में आ जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इस टॉपिक में हमने कवर किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए कुछ क्वेश्चंस को निपटाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। ऑब्लिकली मतलब स्लैंटिंगली, टेढ़ा करके एंटर करता है वाटर में, एयर से वाटर में आ रहा है। तो हमें पता है क्या होने वाला है यहाँ पे, रेयरर टू डेंसर में आ रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। डज द लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो हमें पता है टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड करेगा। Why? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज इन वाटर। ठीक है, नंबर टू, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। फिर से एयर से ग्लास में एंटर किया और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 दिया है। वॉट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट पूछा है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁻¹ मीटर पर सेकेंड, ये दे दिया है, नहीं भी दिया था तो हमने इसको याद करके रखा हुआ है। ठीक है, वैक्यूम और एयर में यही होता है स्पीड ऑफ लाइट। चलिए निकालते हैं, तो दिया हुआ है, ऐसे लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये दिया हुआ है हमें 1.50। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब क्या है, ऊपर में स्पीड ऑफ लाइट और नीचे में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये दिया हुआ है 1.50। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर पहले से पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई वी इक्वल टू 1.50, दिख रहा है आपको। चलिए यहाँ से वी निकालना है, तो वी इक्वल टू 3 × 10⁸ बाई 1.50। तो ये पॉइंट हटा के ऊपर 100 लेंगे, 52 जा 53 जा, ये 33 कैंसिल आउट, तो v आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, इस पर मार्क्स होता है। तो ये हमने निकाल दिया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू हो गया। थ्री, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3। पीछे वाले टेबल से हमें फाइंड आउट करना है ऐसे मीडियम जिसका हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी हो, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो हम तो अभी याद ही कर लिया कि हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसका है, डायमंड का है, और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसका है, एयर का है। ठीक है, ये पूरा टेबल का जो सब वैल्यू है ना, आपको क्या करना, याद नहीं करना है, सिर्फ हाईएस्ट और हाईएस्ट और लोएस्ट को याद कर लीजिए बस। ये वैल्यू भी नहीं चाहिए, सिर्फ मीडियम का नाम याद कीजिए कि एयर में लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है, डायमंड का हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर हाईएस्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, यू आर गिवन केरोसिन टर्पेंटाइन एंड वाटर, ये तीन चीज़ आपको दिया गया है। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट, तीनों में से किस में लाइट सबसे ज़्यादा तेज जाएगा, टेबल पॉइंट थ्री देख के बताइए। ठीक है, तो केरोसिन टर्पेंटाइन वाटर, हमें पता है जिसका लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसी में लाइट फास्टेस्ट ट्रैवल करेगा। तो देखते हैं सबसे ऊपर में कौन सा है, केरोसिन टर्पेंटाइन और वाटर में। तो ये देखिए केरोसिन टर्पेंटाइन वाटर, वाटर सबसे ऊपर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोएस्ट है, इसका मतलब वाटर सॉरी लाइट फास्टेस्ट ट्रैवल करेगा वाटर में। ठीक है, इन तीनों में। चलिए तो ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर फाइव, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन आएगा, देख रहे हैं। तो इसका मीनिंग हमें पता है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42, इतना सा लिख देना है बस। तो ये पांच क्वेश्चन हमने सल्ट आया। चलिए मूव करते हैं अगला बड़ा सा टॉपिक में, जो कि है लेंसेज, काफ़ी इजी होने वाला है, देखते हैं। सबसे पहले लेंस का मतलब क्या होता है, तो ये देखिए यहाँ पे लेंस का मतलब लिखा हुआ है, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाई टू सर्फेसेस ऑफ विच वन और बोथ सर्फेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, मान लीजिए ये बीच में कोई ग्लास है और दो सर्फेस इसको बाउंड करें, एक सर्फेस ये रहा एक सर्फेस ये रहा, और दोनों में से कोई एक सर्फेस या फिर दोनों सर्फेस स्फेरिकल होना चाहिए, तब वो चीज़ कहलाएगा आपका लेंस। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए एक प्लेन हो गया और दूसरा सर्फेस अगर स्फेरिकल हुआ ना,
एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, तो दूसरा सरफेस अगर स्फेरिकल हुआ तो ये भी कहलाएगा लेंस। मान लीजिए एक कोई ऐसे गया और कोई ऐसे गया, दोनों ही स्फेरिकल सरफेस है तो ये भी एक कहलाएगा लेंस। तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है ऐसा स्फेरिकल सरफेस, सॉरी ऐसा लेंस जिसका दोनों सरफेस स्फेरिकल हो, ठीक है। क्या तो इस फॉर्म में पढ़ना है, नहीं तो हमें ये चीज़ पढ़ना है, ठीक है। ऐसा लेंस है ये, बीच में चाहे तो ग्लास हो या फिर वाटर हो या फिर केरोसिन हो, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो बीच में, कोई बीच में मिट्टी भर देगा तो क्या ये लेंस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा लेंस, बीच में ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हमारे सिलेबस में ऐसा लेंस हमें पढ़ना है जो कि दोनों स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ हो। तो ऐसा लेंस जिसका स्फेरिकल सरफेस आउटवर्ड की तरफ बल्ज हो, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉनके, इनवर्ड ये बेंड है इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। ये रहा, अ लेंस मे हैव टू स्फेरिकल सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड, आउटवर्ड की तरफ अगर फुला हुआ हो ये वाला, तो उस लेंस को हम लोग बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं या फिर सिंपली कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। ये रहा, इट इज सिंपली कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, समझ में आया। और सिमिलरली अ डबल कॉन्केव लेंस इज बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सर्फेस कर्व्ड इनवर्ड। तो ये डबल कॉन्केव या फिर सिर्फ कॉन्केव लेंस किसको बोलते हैं? अगर स्फेरिकल सर्फेस जो है वो इनवर्ड की तरफ बेंड हो, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज थिकर एट द एजेस देन एट द मिडल। ये क्या होता है? मिडल में मोटा होता है और थिन एट द एजेस। ये क्या होता है? मिडिल में थिन होता है और थिक एट द एजेस होता है, ठीक है। तो ये सब लिखा हुआ था यहाँ पे, और कुछ नहीं है यहाँ पे। और देखिए इस टाइप का लेंस को, इसका तीन नाम हो गया, क्या तो कॉन्वेक्स लेंस या फिर डबल कॉन्वेक्स लेंस या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसका भी तीन नाम हो गया, कॉनकेव लेंस या फिर डबल कॉनकेव लेंस, या फिर डाइवर्जिंग लेंस भी इसको बोलते हैं। अब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अगर लाइट यहाँ पे फॉल करेगा तो सबको एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर देगा, मिला देगा, और इस पर अगर लाइट फॉल करता है तो ये लाइट को बिखेर देता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। कॉनकेव को इसको कन्वर्जिंग बोला जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये कोई रे ऑफ लाइट आया तो ये सबको एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर दिया, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, और यहाँ पे रे ऑफ लाइट आया तो इसको फैला दिया, डाइवर्जिंग लेंस है ये, कॉनकेव लेंस। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था डाइवर्जिंग लेंस, सच लेंसेज आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, और यहाँ पे भी कहीं लिखा हुआ था कॉन्वेक्स लेंस आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया लेंस किसको बोलते हैं और कब बोलते हैं। अब हम लोग कुछ टर्म समझेंगे, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब क्या क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहला टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अब ये देखिए, ये तो हमने समझा ये लेंस है और ये स्फेरिकल सरफेस है, तो ये कहीं ना कहीं तो सर्कल का पार्ट होगा, किसी सर्कल का पार्ट होगा, और ये वाला भी कुछ ना कोई सर्कल का पार्ट होगा, समझ रहे। तो इस सर्कल के सेंटर को ये और इस सर्कल का सेंटर ये, दोनों को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको मान लीजिए C1 और इसको मान लीजिए C2 दे देते हैं, समझे कि नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब। और अगर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर ऐड जोड़ दे तो ये जो लाइन बनेगा, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो दो टर्म हमने समझा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, हमने समझ लिया। अब देखिए इस लेंस का जो एकदम सेंटर वाला पॉइंट है ना ये, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, समझे कि नहीं समझे। तो एक दो तीन टर्म हमने समझ लिया, ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर ओ से, ठीक है। और ऐसा ही सेम काम हम कॉनकेव के केस में भी कर सकते हैं, ये अगर कॉनकेव है, ठीक है, तो ये भी किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, ये भी किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा। ये सब ड्रॉ नहीं करना है, समझाने के लिए बना रहे हैं।
और ये जो दो लाइन है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो सेंटर हो गया इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ओ से डिनोट करते हैं, इसको सी वन, इसको सी टू, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है यहाँ तक। और ये ऑप्टिकल सेंटर काफ़ी खतरनाक है, जैसा हमने मिरर के केस में पढ़ा था, बीच में क्या होता था, पोल हुआ करता था, याद है आपको, यहाँ पे सी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे पी। अब देखिए, अब ये ऑप्टिकल सेंटर काफ़ी डेंजर चीज़ है, अगर ये कोई लेंस कॉन्वेक्स लेंस है और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, कोई भी लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो वो डायरेक्टली ऐसे निकल जाता है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, थोड़ी देर में देखेंगे इसको डिटेल में। अब देखिए, एक वर्ड समझना है जिसको बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, तो ये जो है ना कॉन्वेक्स लेंस, इसका इस लंबाई को बोलते हैं अपर्चर, ठीक है, डायमीटर ऑफ द कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं अपर्चर। तो हमें हमारे सिलेबस में ऐसा लेंस पढ़ना है जिसका अपर्चर क्या हो, स्मॉल हो। तो हमने समझ लिया अपर्चर किसको बोला जाता है। और देखिए, ये जो है ना सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, पिछली क्लास जैसा ही सेम है ये, सी वन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको बोल देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसके यहाँ से यहाँ तक ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमने समझ लिया अपर्चर क्या होता है, हमारे सिलेबस में ऐसा लेंस है जिसका स्मॉल अपर्चर हो, वही हमें पढ़ना है, ठीक है। और हमें थिन लेंस पढ़ना है, थिन लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जिसका अपर्चर जो है वो लेस देन हो देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब अपर्चर लेस देन होना चाहिए देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसे लेंस को बोलते हैं थिन लेंस, ठीक है। तो हमें ऐसा लेंस पढ़ना है, तो इसको सिर्फ समझिए बस, इसको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि किसको बोलते हैं थिन लेंस, सिर्फ समझाने के लिए था ये। तो ये हमने कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लिया, अब हम लोग मूव करते हैं अगले टर्म पे, जो कि है फोकस, प्रिंसिपल फोकस या फिर सिर्फ फोकस, जो भी बोल लीजिए। फोकस क्या होता है, तो देखिए, ये अगर कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, और ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई इन्फिनिटी से कोई पैरेलल रेज अगर यहाँ पे फॉल करता है, ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस जो है वो क्या करता है, सबको एक ही पॉइंट पे डायरेक्ट करता है, सब लाइट रे एक ही पॉइंट से पास कर रहा होता है, और वो पॉइंट कहाँ पे है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पे है, ठीक है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या फिर सिर्फ फोकस, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है फोकस का डेफिनेशन, सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस, तो कुछ रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। दीज रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो देखिए यहाँ पे एयर है ये बाहर में, और यहाँ पे ग्लास है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, समझ रहे हैं ना, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट मूव कर रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा, तो यहाँ पे लाइट बेंड किया, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन हुआ, उसने यहाँ पे लिखा गया कि आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस आर कन्वर्ट, तो दीज रेज आर कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये सभी रे एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाते हैं, और वह पॉइंट कहाँ पर है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। तो दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, इसी पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, समझे। और सिमिलरली अगर लाइट रे अगर हम इस डायरेक्शन से पास करते तो सब, मतलब बोलने का मतलब है, अगर लाइट रे सब इस डायरेक्शन से आता तो सब यहाँ पे कन्वर्ट कर जाता इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी फोकस होता, तो दो फोकस होता है हमेशा, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्केव का भी दो। कॉन्केव के केस में देखते हैं कैसे काम होता है, ये मान लीजिए कॉन्केव केस है, और डायग्राम बनाने का तरीका देखिए, सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, ठीक है, और बीच में एक पॉइंट देते हैं, और यहाँ पे एक डॉटेड लाइन होता है बीचों बीच, और हम लोग जो लाइट को बेंड कराते हैं ना, वो यहाँ से बेंड कराते हैं, कई लड़के क्या करते हैं जोश जोश में, ये अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो वहाँ से वो लाइट देते हैं और यहीं पे बेंड कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बीच से बेंड कराइएगा एकदम। सही तरीका क्या होता कि यहाँ से लाइट रे आ रहा है और यहाँ से बेंड कर रहा है, ऐसा दिखाने का तरीका होता है। बेंड तो अक्सर यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी डेंसर से रेयर में आ रहे हैं, यहाँ पे भी बेंड होगा। मतलब अगर आपको बहुत ही डिटेल में जाना है तो आप ऐसे समझिए, ये अगर कॉन्वेक्स लेंस है, लाइट रे यहाँ से आया, एक बार यहाँ पे बेंड किया, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया, और एक बार यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, और लाइट रे ऐसे करके बेंड कर जाएगा। लेकिन उतना तामझाम हम लोग नहीं करते, फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लाइट रे लाते हैं और बीच से एक जगह दिखा देते हैं कि यहाँ पे बेंड हो रहा है, सिर्फ एक जगह बेंड दिखाते हैं, ठीक है।
चलिए तो यहाँ से मान ली कॉनकेव लेंस पे बहुत सारा इंसिडेंट रे आ रहा है, वो भी पैरेलल। तो इस केस में क्या होगा, चूंकि ये डाइवर्ज कर देता है, तो ये हुआ डाइवर्ज यहाँ पे, ये हुआ यहाँ पे डाइवर्ज, ये हुआ यहाँ पे डाइवर्ज, ठीक है। तो अगर हम सबको बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, यहाँ पे ये भी बैकवर्ड यहाँ पे और ये भी बैकवर्ड यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ पे आपका आँख है मान लीजिए, यहाँ से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सब लाइट रे एक पॉइंट से निकल रहा है, ठीक है, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। बातें क्या समझ रहे हैं, देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव लेंस। फिर से कुछ पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव लेंस, बहुत बढ़िया। आफ्टर रिफ्रैक्शन आर अपियरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्शन होने के बाद, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया, दे अपियर करेंगे कि वो वहाँ से डाइवर्ज कर रहे हैं। तो दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। समझ में आ गया, इसी पॉइंट को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। सिमिलरली अगर यहाँ से लाइट रे पास करेंगे तो हमें इस केस में यहाँ प्रिंसिपल फोकस मिलेगा। तो इस केस में भी दो प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है। चलिए, तो चूंकि दो प्रिंसिपल फोकस होता है, इसलिए जब भी हम लोग डायग्राम बनाते हैं ना, ऐसे करके हम लोग लेंस बनाते हैं, इधर प्रिंसिपल एक्सिस गया, बीच में ऑप्टिकल सेंटर हुआ, तो यहाँ पे इस वाले फोकस को हम लोग क्या करते हैं F1 नाम दे देते हैं, और एक फोकस यहाँ पे भी है तो इक्वल डिस्टेंस पे, उतना ही इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे F2 देते हैं, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही वो भी डिस्टेंस है F2, ठीक है। और देखिए, और यहाँ पे कहीं पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, C1 बोल लीजिए या फिर C2 बोल लीजिए। मान लीजिए F1 इधर है तो इधर C1 देते हैं और इधर C2 दे देते हैं। तो लेकिन लेंस के केस में हम लोग C1 C2 अक्सर नहीं यूज़ करते, हम लोग क्या करते हैं इसका डबल फोकल लेंथ यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं 2F2 और इसको हम लोग बोलते हैं 2F1, ठीक है। और देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या स्मॉल लेटर ऐप से डिनोट करते हैं, सिम पिछले जैसा ही, ठीक है। आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा ये अगर आपने पिछले का वीडियो देखा है तो। तो एक बार समराइज करते हैं, जब भी हम लोग आपसे डायग्राम बनाएंगे तो ये कॉन्वेक्स के केस में या फिर कॉनकेव के केस में, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बीच से लाइन खींचेंगे जो कि होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हुआ ऑप्टिकल सेंटर, ये हुआ ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इधर हमारा हो गया फोकस, इधर भी एक फोकस, इधर 1, इधर 2, इधर देंगे 2F1, इधर देंगे 2F2, ठीक है। ये फोकल लेंथ है, उसका डबल है ये फोकल लेंथ, इसका डबल है ये, ठीक है। मतलब ये अगर 10 है इतना दूर, तो ये भी 10 होगा इतना दूर, और ये 20 होगा टोटल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, ये F1, ये F2, इधर हो गया 2F1, इधर हो गया 2F2, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स हुआ, और जब भी लाइट यहाँ से पास कराएंगे तो ये बीच से बेंडिंग दिखाएंगे हम लोग, फोकस से पास करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर लाइट दिखाएंगे तो ये बीच से बेंडिंग दिखाएंगे यहाँ से। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, थोड़ा टेढ़ा बन गया लेकिन आप समझ गए। तो ये सब हुआ कुछ बेसिक्स, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको F1 F2 से दिखाते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं डिस्टेंस को, स्मॉल लेटर F से डिनोट करते हैं। अंडरलाइन क्या करना है अभी थोड़ी देर में बताएंगे, अभी कुछ अंडरलाइन मत कीजिए, आगे मूव करते हैं। आगे हमारा मेन टॉपिक जो कि है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस, इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो ये रहा 6 केस यहाँ पे पहले जैसा ही, और कॉनकेव के केस में 2 केस। अब देखिए उल्टा चल रहा है, मिरर में क्या था कि कॉनकेव में 6 केस बनता था और कॉन्वेक्स में 2 केस, लेकिन लेंस में क्या होता है कि कॉन्वेक्स में 6 केस बनता है और कॉनकेव में 2 बनता है, ठीक है। चलिए इसको समझेंगे सबसे पहले। तो इसका 6 डायग्राम प्रैक्टिस करने से पहले हमें कुछ हथियार चाहिए होगा, जिससे इमेज डायग्राम काफ़ी ईजी से बने। तो हम लोग टोटल 3 हथियार हमारे पास होना चाहिए। पहला, ये बनाते हैं कॉनवेक्स के केस में, और इधर बनाते हैं कॉनकेव के केस में। और डायग्राम जो भी बनेगा पेंसिल स्केल से बनेगा, हम तो पेन से बना रहे हैं, आप लोग एग्जाम में बनाएंगे तो पेंसिल स्केल से बनाएंगे, ठीक है। ये सब नंबर भी सब लिखना है तो पेंसिल से लिखना है। चलिए, इधर है F1 और इधर है F2, सिमिलरली इधर है F1 और इधर है F2, और बीच में है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो देखिए, सबसे पहला रे जो है वो अगर पैरेलल आएगा, कोई रे अगर पैरेलल आता है तो वो कहाँ से पास करता है, पास करता है फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये हुआ है पहला हथियार।
और इस केस में अगर कोई रे पैरेलल आता है तो वो अपीयर होगा कि प्रिंसिपल फोकस से निकला है, समझे? ये पहला हथियार। दूसरा दूसरा रे जो आपको पता होना चाहिए वो ये है, ये फिर से F1, ये फिर से F2, F1, F2। अगर कोई रे पैरेलल आया तो फोकस से पास किया, अगर कोई रे फोकस से ही भेजेंगे तो वो कैसे निकलेगा? पैरेलल निकल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यहाँ पर भी अगर हम यहाँ से निशाना लगा के भेजें फोकस की तरफ, ठीक है, फोकस से निशाना लगा के भेजें तो वो कहाँ निकल जाएगा? पैरेलल निकल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ये हुआ दूसरा हथियार। तीसरा लास्ट जो कि बहुत खतरनाक है, ये सबसे खतरनाक है, ये हमारा F1, ये F2, यहाँ पे यहाँ F1 और यहाँ पे F2, बीच में ऑप्टिकल सेंटर O, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर O। तो ये सबसे खतरनाक वाला रे है। इसमें क्या कीजिएगा कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो ये सीधा ही निकल जाता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो ये सीधा ही निकल जाएगा, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो ये तीन हथियार आप मतलब तीन थोड़े आप प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए, इससे सभी रे डायग्राम बनेगा। पहला, अगर पैडल निकला तो फोकस से पास करेगा, फोकस से भेजे तो पैडल निकल जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से भेजे तो वैसे ही निकलेगा। कॉनकेव के केस में पैडल से भेजे तो लगेगा फोकस से निकला, अगर फोकस की तरफ निशाना लगा के भेजेंगे तो पैडल निकल जाएगा और ओ से तो ओ सिंपल निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं रे डायग्राम्स। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स का प्रैक्टिस करेंगे। छह डायग्राम हमें बनाना है, तो सबसे पहले सबका स्ट्रक्चर एक बार बना लेते हैं और नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो ये हमने बना लिया छह स्ट्रक्चर। सबसे पहला केस जब हम लोग प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को एट द इन्फिनिटी, फॉर एग्जांपल सन, ठीक है। तो सन से जब भी रेज आता है तो हमें पता है पैरेलल रेज आता है, और हमें पता है कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि हमेशा दो रेज बनाएंगे तो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ तक बीच तक बनाएंगे और बीच से यहाँ से बेंड कर देंगे। पैरेलल है तो हमें पता है कहाँ से पास करेगा, ये फ्रॉम द फोकस, ये भी पास करेगा फ्रॉम द फोकस, ठीक है। तो दो रे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा बन गया यहाँ पे इमेज, इधर से आया था ये, इधर गया ये, इधर गया, ठीक है। बात करें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एट द इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी होता है तभी उसके वहाँ से रेज जो आते हैं वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सन का एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, तो सन से रेज आया और सन का इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा? एट फोकस एफ टू, एफ टू पे बन रहा है। साइज ऑफ द इमेज की अगर बात करें, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट देखें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, सन का साइज काफ़ी बड़ा है, लेकिन साइज ऑफ द इमेज अगर बोले तो वो काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पे बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, या फिर पॉइंट साइज। और उसके बाद इसका नेचर के ऊपर बात करें, नेचर ऑफ द इमेज, तो चूंकि दो रियल रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो नेचर तो रियल होगा, और हमेशा रियल इमेज क्या होता है? इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ द इमेज हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। समझे कि नहीं बात का गहराई? चलिए तो ये हमने कवर कर लिया, इसको देख लेते हैं एक बार बुक में क्या लिखा हुआ है। ये देखिए आप यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस एफ टू पे बना, ये भी ठीक है। साइज ऑफ द इमेज रिलेटिव साइज, तो हाईली डिमिनिश्ड है और पॉइंट साइज है। रिलेटिव साइज बोलने का मतलब ऑब्जेक्ट के तुलना में इसका साइज कैसा है, ठीक है, तो इसके तुलना में ये हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज का है। और नेचर ऑफ द इमेज का बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। चलिए मूव करते हैं सेकेंड केस में। अब ऑब्जेक्ट है एट द इन्फिनिटी, अब इस केस में ऑब्जेक्ट को लाएंगे
बियॉन्ड 2F1। ऑब्जेक्ट को इसके आगे प्लेस करेंगे 2F1 के आगे, ये लाइन मान लीजिए यहाँ तक है, तो ये हमने बना दिया यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक रे यहाँ से पास करवाते हैं, पैरेलल पास करवाते हैं यहाँ से, तो ये रहा यहाँ से पैरेलल रे आ रहा है और बीच से बेंडिंग दिखा देना है हमें, और हमें पता है पैरेलल आता है तो कहाँ से वो रे गुजरेगा, आफ्टर डिफ्रैक्शन वो गुजरेगा फ्रॉम द फोकस। ठीक है, इधर से आया इधर से गया। दूसरा रे बनाना है हमें, तो दूसरा रे हम लोग ये ऑप्टिकल सेंटर वाला ले लेते हैं, ये रहा, तो यहाँ से ये पास किया और आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ से गुजर गया, तो दोनों रे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया इमेज। समझ रहे हैं बात का गहराई? इमेज का इसका अगर हम नाम देना चाहें तो इसको अगर हम ए सॉरी इसको अगर ए और इसको बी दे जैसा कि बुक में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरा बी डैश और ये हो जाएगा ए डैश। ठीक है, यहाँ पे तो नाम नहीं दे सकते थे लेकिन यहाँ पे हमने दिया। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखें तो बियॉन्ड 2F1, पोजीशन ऑफ इमेज देखें तो बिटवीन F2 एंड 2F2। अगर रिलेटिव साइज का बात करें तो ये देखिए थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है, तो यहाँ पे होगा डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मत लिखिएगा, सिर्फ डिमिनिश्ड होगा। और नेचर का बात करें तो दो की दो रियल रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा रियल और इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो एक बार बुक में देख लेते हैं बुक में कैसे क्या लिखा हुआ है। देखिए सेकंड केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2, रिलेटिव साइज तो डिमिनिश लिखा हुआ है लेकिन इसमें हाईली डिमिनिश था, नेचर ऑफ इमेज का बात किया जाए तो रियल एंड इन्वर्टेड, जब भी रियल होता है तो इन्वर्टेड होगा ही। समझ रहे हैं बात कह रहे हैं? तो ये हमने कर लिया दूसरा केस भी। तीसरे केस पे मूव करते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा। अब ये एक पैटर्न आप फॉलो कीजिए, यहाँ पे इधर पे एक पैटर्न को देखिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, एट द इन्फिनिटी, फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाएँ बियॉन्ड 2F1, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले जाएंगे, अब कहाँ प्लेस कर देंगे, 2F1 पे प्लेस कर देंगे, फिर अगले चौथे केस में हम ऑब्जेक्ट को इसके आगे भी लाएंगे बिटवीन 2F1 एंड F1, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट को और आगे लाएंगे और फोकस पे प्लेस कर देंगे, और सिक्स्थ केस जो हमारा लास्ट केस होगा उसमें ऑब्जेक्ट को हम लोग F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस कर देंगे, जो स्पेशल केस होगा। समझ रहे हैं पैटर्न? चलिए तो ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं एट द 2F1। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है मिरर वाला तो आप समझ पा रहे हैं कि ये इसका डायग्राम कैसे बनता है। सबसे पहले एक पैरेलल रे भेजते हैं यहाँ से और बीच से बेंड करा के फोकस से निकाल देंगे, ये हुआ, और एक थ्रू भेज देते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, यहाँ पे और इमेज यहाँ पे बन जाएगा इधर। अब यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे गैप ज़्यादा, यहाँ पे गैप थोड़ा कम है, यहाँ पे मैंने गैप ज़्यादा दे दिया, ये 2F2 यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, ताकि जो इमेज बनेगा वो एकदम 2F2 पे बनेगा। आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने देखा था जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है ऑब्जेक्ट तो एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था। वैसे यहाँ पे 2F1 पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज 2F2 पे ही बनेगा, इसलिए इसको हटा के हमने यहाँ पे डाल दिया। एग्जाम में भी अगर आपसे आगे पीछे हो जाए तो बाद में भी इरेज करके यहाँ पे आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका डायग्राम। और चलिए इसका प्रॉपर्टीज़ का बात किया जाए। पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 2F1, पोजिशन ऑफ इमेज एट 2F2, रिलेटिव साइज का बात करें तो सेम साइज है यहाँ पे, और नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ गया? चलिए बुक में भी वही लिखा हुआ है, ये देखिए एट 2F1 इमेज ऑब्जेक्ट है, इमेज है 2F2 पे, साइज सेम साइज है और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। इजी। चलिए चौथे केस पे मूव करते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे इन दोनों के बीच में, डाल देते हैं यहाँ पर। अब इमेज का भी आप पैटर्न फॉलो कीजिए, देखिए जब ऑब्जेक्ट इधर था तो इमेज F2 पे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाए तो इमेज क्या हुआ, पहले F2 पे बन रहा था, अब वो भी पीछे शिफ्ट कर गया। इमेज को 2F2 पे रखे तो सॉरी ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखे तो इमेज बन गया 2F2 पे। ठीक है, और अब ऑब्जेक्ट को और पास लाएंगे तो इमेज और पीछे चला जाएगा, बियॉन्ड 2F2 बनेगा यहाँ पे इमेज। ठीक है, देखते हैं उसमें करके, जैसे जैसे इसको आगे लाते जाएंगे इमेज वैसे वैसे पीछे शिफ्ट होता चला जाएगा। तो पहला रे तो हम लोग पैरेलली भेजते हैं और ये गुजर जाएगा 2F2 से। ठीक है, और दूसरा रे भेज देते हैं ऑप्टिकल सेंटर से।
यहाँ से गया, यहाँ से निकला, ठीक है, ये इधर आगे तक नहीं होगा, ये था इमेज। और इसमें भी मैंने ऑब्जेक्ट का नाम नहीं दिया, इसका नाम अगर ए बी है ऑब्जेक्ट का नाम, तो इमेज का नाम हो जाएगा बी डैश ए डैश, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये रहा हमारा इमेज, देख रहे हैं बियॉन्ड 2F2 बना है, ये थोड़ा और आगे तक जाएगा, ठीक है। इसका नाम अगर हम ए बी यहाँ पे दे, तो इसका नाम हो जाएगा बी डैश और ए डैश। अब बात करें पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट का, तो बिटवीन F1 एंड 2F1, ठीक है, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। पोजिशन ऑफ इमेज बियॉन्ड 2F2, रिलेटिव साइज अगर बात करें तो इससे बड़ा है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे इनलार्ज्ड। और नेचर का बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, वही देख लीजिए एक बार, बुक में भी वही लिखा हुआ है। इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है F1 और 2F1 के बीच में, इमेज है बियॉन्ड 2F2, रिलेटिव साइज इनलार्ज मतलब बड़ा है, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, चलिए। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे? फोकस पे ही प्लेस कर देते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कॉनकेव के केस में फोकस पे प्लेस करने से क्या बन रहा था, इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा था। देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। एक पैरेलल और ये निकल जाएगा फोकस पे, ये रहा और ये रहा, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से ही भेज देते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों रेस क्या है, पैरेलल है, मतलब ये दोनों कहाँ जाकर मीट करेगा, बोलते हैं हम लोग इन्फिनिटी पे मीट करेगा, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। जब पैरेलल रे कहाँ पे मीट करता है, इन्फिनिटी पे। तो यही हो गया इसका। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का बात करें तो एट F1, एट फोकस F1, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। रिलेटिव साइज अगर बात करें तो इन्फिनिटी में हमेशा लार्ज बनता है, तो इनफाइनेटली लार्ज या फिर हाईली इनलार्ज ऐसे लिखते हैं हम लोग। और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। आप यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ये रहा, एट फोकस पर रहता है तो इमेज बनता है इन्फिनिटी पे, सेम पिछली क्लास जैसा हमने देखा। और रिलेटिव साइज हाई इनफाइनेटली लार्ज मतलब बहुत ही बड़ा, या फिर हाईली इनलार्ज्ड। और नेचर का बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब आते हैं छठे केस पे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पिछली क्लास जैसा ही, जब ऑब्जेक्ट हो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। चलिए यहाँ पे प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे हमने डाल दिया छोटा सा ऑब्जेक्ट ताकि इमेज आसानी से बने। एक रे हम भेजते हैं यहाँ से पैरेलल, बीच से बेंड करा के फोकस से पास करवाएंगे, ये रहा, ठीक है। और एक रे भेजते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर से, ये रहा, ठीक है। अब ये दोनों क्या कहीं पे जाके मिलेगा क्या? इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे और देखेंगे कहीं कुछ मिल रहा है कि नहीं। ये तो लाइन थोड़ा टेढ़ा बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे बेंड हो गया थोड़ा सा, इसको अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, तो दोनों रे बैकवर्ड प्रोड्यूस करने से यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे इमेज। ठीक है, फिर वैसे यहाँ पे नाम देना भूल गए फिर से, ये अगर ए और बी था तो इमेज कहीं पे बनता, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है ये अगर ए और बी, तो ये हो गया ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F1, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज का बात करें तो यहाँ पे इमेज यहाँ पे भी बन सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि 2F1 और F1 के बीच में ही बनेगा, कहीं भी यहाँ पे इमेज बन सकता था। तो इसलिए हम लोग इमेज के केस में लिखते हैं कि ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड में बनेगा, इधर भी बन सकता है, इधर इधर कहीं भी बन सकता है, खाली सेम साइड लिखेंगे काम खत्म हो जाएगा। साइज़ का बात करें तो आप देख रहे हैं ये छोटा है और ये बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे इनलार्ज्ड। और नेचर का बात करें तो दो असली रेज यहाँ पे मीट कर रहे हैं क्या? असली रेज मीट नहीं कर रहे, तो नेचर होगा इसका वर्चुअल, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनता है, सीधा है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हाँ, जब ऑब्जेक्ट हो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो देखिए बुक में क्या क्या लिखा है, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट
बिटवीन फोकस एफ वन एंड ऑप्टिकल सेंटर, पोजिशन ऑफ इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखना होगा। रिलेटिव साइज बात करें तो इनलार्ज, नेचर बात करें तो वर्चुअल इनरेक्ट। समझ में आ गया छः का छः केस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नंबर सिक्स वाला। तो ये हमने ख़त्म कर लिया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। इसमें हमें सिर्फ दो केस बनाना है। चलिए सबसे पहले एक थोड़ा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने बना लिया फॉर्मेट। चलिए अब बनाते हैं रे डायग्राम। सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एट द इन्फिनिटी, तो रेज आएगा हमारा पैरेलल, ये एक रे आया पैरेलल और ये एक रे आया पैरेलल, ठीक है, इन्फिनिटी में जब ऑब्जेक्ट है तो। और यहाँ से लगेगा कि फोकस से डाइवर्ज हुआ है, इधर से निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी लगेगा कि फोकस से डाइवर्ज हुआ है, यहाँ पे लेंस को थोड़ा और लंबा करेंगे, इस लेंस को थोड़ा सा लंबा और, ताकि ये इधर से निकले, ठीक है। देख रहे हैं इमेज डायग्राम बनाते वक्त किस किस टाइप का गलती हो सकता है आपसे, वो गलती मेरे से भी हो रहा है यहाँ पे। चलिए तो ऐसे करके उस गलती को सुधारेंगे। तो दोनों ही रे लग रहा है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बनेगा इमेज। बात करें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का, तो एट द इन्फिनिटी पोजीशन ऑफ इमेज बना है एट द फोकस एफ वन। और साइज़ का अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट का साइज़ तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये रिलेटिव साइज इसका क्या है, हाईली डिमिनिश या फिर पॉइंट साइज बोल सकते हैं। और नेचर ऑफ द इमेज का बात करें तो वर्चुअल है, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि दो असली रेज यहाँ पे मीट नहीं कर रहे हैं। और इसका डायरेक्शन दिखा दीजिए, लाइट का यहाँ से गया है और ये यहाँ से गया है, समझे कि नहीं समझे ये वाला। चलिए मूव करते हैं सेकंड केस में, जब ऑब्जेक्ट हो बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी प्लेस कर सकते देते हैं ऑब्जेक्ट को। तो जैसा कि बुक में प्लेस किया है, बुक में आपका एफ वन और टू एफ वन के बीच में प्लेस किया है, तो हम लोग भी यहीं पर प्लेस करते हैं। और इमेज आसानी से बनाने के लिए आप ईजी क्या होगा कि आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा रखिए, ठीक है, तब ईजी बनता है। नहीं तो आप बड़ा अगर बनाएंगे ना इसका हाइट, तो यहाँ से निकलेगा और आपको ज़बरदस्ती यहाँ से रे पास करवाना पड़ जाएगा, यहाँ से ला के, जो कि गलत हो जाएगा फिर से। रे हमेशा यहाँ से निकलना चाहिए, समझ रहे, तो छोटा बनाने से थोड़ा इजी हो जाता है। इधर से एक रे आया पैरेलल और ये लगेगा कि फोकस से निकला है, इधर से आया था इधर गया, ठीक है। और दूसरा रे भेजते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये तो इधर से जाएगा, इधर से निकल जाएगा, तो दोनों रे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बनेगा इमेज। इमेज इसका नाम अगर ए बी दे तो इसका नाम बनेगा बी डैश और ए डैश यहाँ पे, ठीक है। तो बात करें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। पोजीशन ऑफ इमेज का अगर बात करें तो इमेज कहाँ पे बना है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस एफ वन, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये बना है इमेज। और रिलेटिव साइज़ तो आप देख पा रहे हैं छोटा है इससे, तो डिमिनिश बोलेंगे। और नेचर का अगर बात करें तो एक रे तो चलिए रियल है, लेकिन एक रे इमेजिनरी है, तो इसलिए यहाँ पे जो नेचर होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, ठीक है। तो ये बना इसका डायग्राम, बुक में भी वही लिखा हुआ है। आप यहाँ पे अगर देखें तो ये रहा पोजीशन, यहाँ पे बताया गया है बिटवीन इन्फिनिटी ऑप्टिकल सेंटर, इमेज बिटवीन एफ वन एंड ओ, साइज डिमिनिश्ड और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आया दोनों का केस। तो इसको आप याद कर लीजिए कि कॉन्केव लेंस ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है दोनों ही केस में, और कॉन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है सिर्फ एक केस को छोड़ के, जो स्पेशल केस है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और ये जो रे डायग्राम हमने देखा था ना नंबर सिक्स वाला, यहाँ पे ये रे डायग्राम, इस टाइप का इमेज फॉर्मेशन यूज़ किया जाता है इन रीडिंग लेंसेस। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि डिक्शनरी में लिखा हुआ लेटर्स को पढ़ने के लिए कौन सा टाइप का लेंस यूज़ करेंगे, तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ छोटा हो 5 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। तो यह बात आप याद रखिएगा, रीडिंग लेंस में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है और उसमें इस टाइप का इमेज फॉर्मेशन यूज किया जाता है।
ताकि छोटे छोटा इमेज को भी बड़ा इमेज बने वो, तभी हम लोग आँख से आसानी से देख पाएंगे। चलिए तो ये हमने देख लिया इमेज फॉर्मेशन बोथ बाई कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा, इमेज फॉर्मेशन हो गया, ये अगला टॉपिक है हमारा साइन कन्वेंशन ऑफ फॉर स्फेरिकल लेंसेस। साइन कन्वेंशन जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात किया था, इसमें भी वैसा ही है कि इसको हम लोग कार्टेशियन सिस्टम से कंपेयर करके देखेंगे। ये अगर लेंस है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन मानते हैं हम लोग। इस साइड में अगर डिस्टेंस मेजर करें तो पॉजिटिव होगा, इस साइड में डिस्टेंस मेजर करेंगे तो नेगेटिव होगा, ऊपर की तरफ डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ डिस्टेंस मेजर करेंगे तो नेगेटिव। सेम टू सेम यहाँ जैसा, हाँ, इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस और इधर माइनस, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे कुछ साइन का बात किया जाए, एक यहाँ पे हल्का सा डायग्राम बनाते हैं कॉन्वेक्स का और एक हल्का सा रफ डायग्राम है ये कॉनकेव का। तो देखिए इधर है कॉन्वेक्स, इधर है कॉनकेव। बात किया जाए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, याद होगा आपको u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, पिछली क्लास में देखा था हमने। तो u हमेशा हम लोग इसी साइड प्लेस करते हैं, इसमें भी इसी साइड प्लेस करते हैं। तो इस साइड का डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं हम लोग, कार्टेशियन सिस्टम से कंपेयर कीजिए, ये ओरिजिन है, तो इधर का डिस्टेंस हम लोग नेगेटिव लेते हैं, तो u इसमें भी नेगेटिव होगा, इसमें भी नेगेटिव होगा, समझे। v का अगर बात करें तो v इमेज ज़्यादातर केस में कॉन्वेक्स लेंस का इधर ही बन रहा था, सिर्फ एक केस में इमेज इधर बना था, तो सब में ये पॉजिटिव होता है एक्सेप्ट छठा नंबर का केस छोड़ के, वहाँ पे इसमें क्या होता है नेगेटिव हो जाता है। और कॉनकेव के केस में दोनों ही केस में इमेज हमारा इधर बना था, तो भी ऑलवेज यहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है। बात करें फोकल लेंथ का, तो फोकल लेंथ तो इधर भी है और इधर भी है, तो बाय कन्वेंशन हम लोग इधर वाले को लेके चलते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि इधर है तो पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हम लोग इधर लेके चलते हैं, ठीक है, नेगेटिव मान के चलते हैं, इतना समझे। तो देखिए कॉनकेव का सब भी यू भी और एफ तीनों ही नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स का यू भी और एफ इस तरह का साइन होता है, ठीक है। तो फिलहाल आप भी मत याद कीजिए क्योंकि भी सवाल देख के हम लोग पता लगा लेंगे, यू याद कीजिए दोनों नेगेटिव होता है और एफ बहुत मुश्किल भी होता है याद रखना, बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं बाद में चल के, इसको याद कर लीजिए कॉन्वेक्स का पॉजिटिव कॉनकेव का नेगेटिव, ठीक है। चलिए यह हो गया साइन कन्वेंशन, मूव करते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला है टॉपिक लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मिरर फार्मूला, वो था 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, ये था मिरर के केस में। लेकिन अब हमें पढ़ना है लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला होता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। डिफरेंस समझ रहे हैं दोनों में, उसमें प्लस था यहाँ पे, इसमें माइनस है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग लेंस फार्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, जहाँ पे यू पता ही है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, भी है इमेज डिस्टेंस और एफ है फोकल लेंथ। तो ये हो गया हमारा, अब अगला टॉपिक है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन भी सेम वही है कि मैग्नीफिकेशन मतलब इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज h डिनोटेड बाई h और सॉरी h डैश और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाई h, ये होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। इसको हम लोग इक्वल टू v बाई u भी लिख देते हैं, इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। याद कीजिएगा उस मिरर के केस में यहाँ पे माइनस हुआ करता था, लेकिन इसमें माइनस नहीं होता है, माइनस v बाई u होता था उसमें, इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि m इक्वल टू रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का हाइट को h डैश से डिनोट कर दें, ऑब्जेक्ट का हाइट को h से डिनोट कर दें, और इसको v बाई यू भी लिख सकते हैं, h डैश बाई h इक्वल टू v बाई यू, समझे। और m का वैल्यू के ऊपर बहुत ही डिटरमाइन कर सकते हैं, अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन वन आया, इसका मतलब इमेज जो का साइज है वो एनलार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर m का वैल्यू अगर 2 आ गया ना, हम लोग बोलते हैं इमेज का साइज डबल होगा। अगर m का वैल्यू 1 बाई थ्री आया तो हम लोग बोलते हैं इमेज का साइज 1/3 होगा ऑब्जेक्ट के साइज का। m का वैल्यू अगर इक्वल टू 1 आया तो इमेज का साइज क्या होगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और m का वैल्यू अगर लेस देन आया तो इसका मतलब इमेज का जो साइज है वो डिमिनिश्ड होगा। बस तो यही है फिर m का वैल्यू से रिलेटेड कुछ काम।
मूव करते हैं अगले पे। अगला हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया गया है 10.3 10.4 अभी करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक इसको खत्म कर लेते हैं, पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए एक ये लेंस है और एक ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये रहा और ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मान लीजिए फोकल लेंथ यहाँ पे था और इसका मान लीजिए फोकल लेंथ इतना ही है, यहाँ पे है इसका F2, यहाँ पे है F1, यहाँ पे इसका F2, यहाँ पे है इसका F1। अगर पैरेलल रेज आएगा तो ये सबको बेंड करके यहाँ से पास करवा देगा, इतना समझ रहे हैं, यहाँ से पास करवाएगा, ठीक है। और इस लेंस में भी अगर पैरेलल रेज भेज रहे हैं तो नो मैटर कितना दूर से भी आए वो उसको ज़बरदस्ती बहुत पास में मुड़ आएगा, यहाँ पे पास करवा दे रहा है, समझ रहे हैं। तो आप बोलेंगे पावर किसका ज़्यादा है, आप बोलेंगे कि ये ज़्यादा बेंड करवा रहा है तो इस लेंस का पावर ज़्यादा हुआ इस लेंस के मुकाबले। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि इसका और इसका फोकल लेंथ अगर दोनों का देखें तो इसका फोकल लेंथ कम है, इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है। इसका मतलब जितना ज़्यादा फोकल लेंथ उतना ही लेंस का पावर कम होगा, समझ रहे हैं, और जितना कम फोकल लेंथ उतना ही ज़्यादा लेंस का पावर होगा। मतलब बोल सकते हैं कि पावर जो है वो रेसिप्रोकल है फोकस का, तो मतलब P=1/F बोल सकते हैं, फोकस का उल्टा है, फोकस जितना ज़्यादा होगा पावर उतना कम होगा, फोकस जितना कम पावर उतना ज़्यादा। तो ये निकल के आ जाता है पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला P=1/F, ठीक है। देख लेते हैं बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ। कोई लेंस कितना कन्वर्ज करता है फिर कितना डाइवर्ज करता है वह डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे। तो पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर ऑफ अ लेंस डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी, कैपिटल लेटर पी से डिनोट करते हैं। द पावर पी ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज गिवन बाय P=1/F, इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, समझ में आ गया। चलिए अब कुछ और बात, यहाँ पे ये P=1/F इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए पावर का जो यूनिट है वो क्या होना चाहिए, पावर का ऐसे यूनिट होता है डायोप्टर, ऐसे पूरा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, छोटा लिखेंगे तो कैपिटल लेटर डी लिखना पड़ेगा, ठीक है, सिंबल में। और ये फोकल लेंथ जो होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तब यहाँ पे पावर का जो वैल्यू निकल के आएगा वो डायोप्टर में निकल आएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर, बोला है फाइंड पावर, तो हमें पता है पावर =1/F होता है, लेकिन एफ होना चाहिए मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं पहले, 200 / 100 आ गया मीटर में, मतलब 2 मीटर। P=1/F, एफ मतलब 2, तो ये डिवाइड करेंगे 0.5 और लगा देंगे डायोप्टर डी, समझे कि नहीं समझे। चलिए तो देखते हैं इसमें लोग क्या क्या लिख रखा है, ये देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर डी। If F is expressed in meter, then power is expressed in diameter. F meter में होगा तो power diopter में निकलेगा। अब देखिए हमें पता है P=1/F ये होता है, अगर F के जगह पे 1 meter डाल दे तो power कितना आ जाएगा, 1 diopter आ जाएगा। तो 1 diopter का definition क्या नहीं होगा, 1 diopter का definition, तो 1 diopter उस लेंस का पावर है जिसका focal length 1 meter है, समझ रहे हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन 1 diopter, तो लिखेंगे 1 diopter इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 meter, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दस 1 diopter इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 meter, ठीक है। तो ये हो गया। और कुछ बात पावर से रिलेटेड, हमें पता है पावर =1/F। अब चूंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, उसलिए इसका जब पावर निकालेंगे ना 1/F, F पॉजिटिव डालेंगे तो पावर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अगर किसी लेंस का पावर पॉजिटिव है इसका मतलब वो लेंस क्या है, कॉन्वेक्स है। सिमिलरली अगर किसी लेंस का पावर नेगेटिव है इसका मतलब वो लेंस क्या है, कॉनकेव है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो देखिए अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए कि पावर =+2.0 diopter ऐसा कहीं लिखा हुआ है, तो इस बात से आप क्या 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 चीज़ बोल सकते हैं, तो इस बात से हम दो चीज़ निकाल सकते हैं। पहला तो लेंस का नेचर बता सकते हैं, क्योंकि चूंकि पावर पॉजिटिव है तो यहाँ पे लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। पहला बात तो हो गया कि वो लेंस क्या है, कॉन्वेक्स है। और दूसरा बात यहाँ से बता सकते हैं कि उस लेंस का फोकल लेंथ कितना है, P=1/F, मतलब F=1/P, मतलब 1/2, मतलब 0.5 फोकल लेंथ निकल रहा है तो ये मीटर में निकलेगा, ठीक है। तो ये दो बात बोल सकते हैं किसी का लेंस, किसी भी लेंस का पावर को देख के।
तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना है, सिर्फ समझते चलिए। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है, कॉन्केव लेंस का नेगेटिव होता है। हमने भी देख लिया कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कॉन्केव का नेगेटिव, ठीक है। और देखिए, लेट अस से डैट लेंस प्रेस्क्राइब्ड हैज पावर इक्वल टू टू प्लस 2.0 डायोप्टर। अगर किसी लेंस का पावर प्लस 2.0 डायोप्टर है, इससे दो बात बोल सकते हैं। पहला बात कि लेंस इज कॉन्वेक्स, और दूसरा द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 0.5 मीटर। हमने भी वही निकाला था, 0.5 मीटर। इन्होंने प्लस का साइन दिया है, हमने यहाँ पे नहीं दिया है क्योंकि वो अंडरस्टूड है, ठीक है, ये दो बात बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर किसी लेंस का पावर माइनस 2.5 डायोप्टर है, तो इसका मतलब इसका फोकल लेंथ निकाल लेंगे, 0.4 आएगा मीटर, और ये जो लेंस है साइन देख के बोल पा रहे हैं माइनस है, तो कॉनकेव लेंस है ये, ठीक है। तो ये हमने ख़त्म कर लिया पावर भी। चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ से पहले देखते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन वन डायोप्टर पावर ऑफ अ लेंस। तो वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। मतलब 50 सेंटीमीटर इमेज का डिस्टेंस है। तो एक कोई कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई नीडल है, और इमेज का जो डिस्टेंस बन रहा है, सॉरी, इमेज जो बन रहा है वो 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे बन रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज सेम है, तो इमेज को कहाँ, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा जाए। तो हमें पता है सेम साइज का एक ही केस में बनता था, जब ये 2f1 और ये 2f2 पे होता है तभी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये 50 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। तो u निकल लिया यहाँ पे 50 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द इमेज फॉर्मेशन। और दूसरा क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। पावर भी निकालना है हमें, तो पावर हो जाएगा, पावर इक्वल टू 1/f। f पता है क्या हमें, f तो पता नहीं है, f निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये डबल फोकल लेंस है, तो यहाँ पे आधा फोकल लेंस कितना हो जाएगा, 50 का आधा 25, तो 1/25। लेकिन ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर बनाना होगा, तो डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, ये 100 ऊपर जाएगा, तो 100/25 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 डायोप्टर, ठीक है कि नहीं। ठीक है, एक आंसर 50 सेंटीमीटर, दूसरा आंसर 4 डायोप्टर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लिखा है फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। कॉन्केव है मतलब पावर नेगेटिव आएगा, फोकल लेंथ 2 मीटर है, मीटर में पहले से दिया है, एफ इक्वल टू 2 मीटर, और कॉन्केव है तो माइनस लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो P इक्वल टू 1/f, मतलब 1/2 माइनस लगा देते हैं, तो -0.5, और यहाँ पे लगा देंगे डायोप्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग वो जो बड़ा बड़ा एग्जांपल है उसको सॉल्व करते हैं पहले, ये रहा। तो देखिए इस टाइप का सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सब लिखते जाते हैं। सबसे पहले लिखा है कि अ कॉन्केव लेंस हैज़ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव है, फोकल लेंस दिया हुआ है एफ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और कॉन्केव है तो सब चीज़ नेगेटिव होगा इसका। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो डैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यू निकालने पूछा है, निकालने बोला है, और भी दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और भी नेगेटिव होगा क्योंकि कॉन्केव का सब नेगेटिव होता है। तो u निकालना है, तो हमें पता है बाई लेंस फॉर्मूला, वन बाई भी माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, वैल्यू प्लेस करते हैं 1/-10 माइनस 1/u इक्वल टू 1/-15, तो 1/u आ गया 1/-10 प्लस 1/15। समझ में आया, इसको उधर भेज दिया, इसको इधर ला लिए, तो 1/u आ गया, दोनों का एलसीएम लेंगे 30, 10 3 जा प्लस 15 2 जा, तो ये आ रहा है 1/u इक्वल टू -1/30। मतलब इसको उल्टा करेंगे, u इक्वल टू, ये भी उल्टा हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। चूंकि u नेगेटिव ही आना था, कॉनकेव है, उसलिए ये हमने एक आंसर निकाल दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। एम भी निकालना है, तो एम का दो फॉर्मूला होता है, एच डैश बाई एच या फिर
वी बाई यू, तो एच और एच रेस पता नहीं है तो हम लोग ये यूज़ करेंगे। वी कितना है अभी अभी आया, पहले से दिया था -10 और यू हमें पता है -30, तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 0.33। अच्छा यहाँ पर जब हम मैग्नीफिकेशन पा रहे हैं तो एक बात बोलना फिर से भूल गए थे, ये रहा मैग्नीफिकेशन का वैल्यू देख के ये सब तो बोल ही सकते हैं, मैग्नीफिकेशन का साइन देख के भी कुछ हम लोग बोल सकते हैं। अगर मैग्नीफिकेशन का साइन अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगा, और अगर एम का साइन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ये दो बात भी याद रखिएगा, सेम टू सेम मिरर जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एम का साइन पॉजिटिव आया है, इसका मतलब जो नेचर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, ये हुआ। और साइज का अगर बोलना चाहें तो एम का वैल्यू चूंकि लेस देन 1 है तो साइज डिमिनिश्ड होगा, या फिर बोल सकते हैं 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए तो ये हो गया ये क्वेश्चन, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10.4 लिखा है कि 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का साइज दिया है, मतलब एच दिया हुआ है ये। तो एग्जाम्पल 10.4 देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एंड ऑब्जेक्ट का साइज मतलब h इक्वल टू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2.0 है तो हमने सिर्फ 2 लिख दिया, प्लस होगा ये क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे खड़ा होता है। इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और u ऑलवेज नेगेटिव होता है। फाइंड द नेचर पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीफिकेशन। तो 3 चीज़ निकालना है, नेचर मतलब रियल है कि वर्चुअल है वो बताना है, पोजिशन मतलब भी निकालना है, और साइज बताना है, साइज एच डैश और मैग्नीफिकेशन एच डैश और एम निकालना है, इतना सारा चीज़ हमें बताना है। चलिए सबसे पहले भी निकालते हैं, जब भी एफ और यू मिल गया तो भी निकाल देना है। बाई लेंस फॉर्मूला हमें पता है 1/v-1/u = 1/f, 1/v-1/-15 = 1/10, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/v+1/15 = 1/10, इस 1/15 को उस साइड भेजेंगे तो आया 1/v = 1/10 - 1/15, एलसीएम ले लेंगे 33 2, तो 1/v = 1/30, भी आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एक आंसर तो ये हो गया, पोजीशन मिल गया। अब हमें बताना है नेचर, नेचर बताने के लिए हम किसका सहायता लेंगे, एम निकालेंगे और फिर नेचर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए एम निकाल देते हैं, एम इक्वल टू एच डैश बाई एच या फिर वी बाई यू, तो वी बाई यू यूज़ करते हैं 30 और यू था हमारा -15, तो ये आ रहा है -2, ठीक है। तो नेचर हो जाएगा माइनस है, चूँकि एम चूँकि माइनस है तो नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये हो गया 2 चीज़, नेचर हमने बता दिया, पोजीशन बता दिया, साइज, साइज मतलब एच डैश निकालना है। तो हमें पता है एम इक्वल टू एच डैश बाई एच होता है, एम का वैल्यू अभी अभी आया -2, आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना होगा आपको। एच हमें पता था, एच यहाँ पर पता था 2, तो यहाँ पर डाल देते हैं 2, तो एच डैश जो आ रहा है वो 2 जब -4 आ रहा है सेंटीमीटर, माइनस क्या इंडिकेट करता है कि इमेज नीचे की तरफ बना हुआ है, ठीक है, ऐसा बना इमेज। तो ये भी मिल गया साइज ऑफ द इमेज। अब हमें निकालना है एम, एम तो हमने निकाल ही दिया -2, ठीक है। तो देख लेते हैं ये लोग आंसर कहाँ कहाँ निकालना है, ये हो गया हमारा आंसर। सबसे पहले भी ये लोगों ने निकाला -30, तो भी हमारा भी +30, फिर मैग्नीफिकेशन इन्होंने निकाला है 2 -2, तो हमारा भी एम आया था -2, फिर हाइट ऑफ द इमेज एच डैश निकालना है -4, हमने भी निकाला एच डैश -4, आगे पीछे है बस, और इमेज क्या है रियल एंड इन्वर्टेड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, बस यही था। चलिए तो ये 2 क्वेश्चन हुआ, यहाँ का 3 क्वेश्चन हो गया, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, लेंस क्या चीज़ से नहीं बना सकते हैं। तुम्हें पता है कि अंदर में ट्रांसपेरेंट मीडियम होना पड़ेगा,
तो वाटर ट्रांसपेरेंट मीडियम में तो वाटर से बना सकते हैं, ग्लास से बना सकते हैं, प्लास्टिक से बना सकते हैं, क्ले मिट्टी से नहीं बना सकते हैं। तो ये आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर टू हमने कर लिया था। तीसरे क्वेश्चन में मूव करते हैं। लिखा हुआ है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस है उसके सामने कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे कि क्या हो जाए, रियल इमेज मिले ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साइज का ही मिले। तो सेम साइज ऑब्जेक्ट का कहाँ पे बनता है, जब ये 2F1 पे हो और ये 2F2 पे हो। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, एट प्रिंसिपल फोकस ना एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ का ट्वाइस पे, ये होगा आंसर है थ्री का बी। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, लिखा हुआ है स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस। कोई मिरर है कोई लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब मिरर और लेंस दोनों क्या है, दोनों कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है कि और क्या क्या है। तो साइन से बता सकते हैं, चूंकि साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब दोनों ही क्या है, कॉन्केव है। ठीक है, दोनों का ही फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कॉन्केव लेंस हो या फिर कॉन्केव मिरर हो। समझे कि नहीं समझे, चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रीफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। तो छोटे लेटर्स को पढ़ने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ये भी कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेवन हमने कर लिया, एट भी कर लिया पिछली क्लास में, नाइन देखते हैं। वन हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। आप कॉन्वेक्स लेंस का, ये मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, इसका आधा पार्ट काले पेपर से कवर कर देते हैं, तो क्या होगा, विल द लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लेंस क्या इमेज बनाएगा, तो बिल्कुल बनाएगा। यहाँ से एक लाइट आएगा ही, जो यहाँ से गुजरेगा, और एक लाइट यहाँ से गुजरेगा ही, तो इमेज यहाँ पे बनेगा ही। लेकिन एक ही डिफरेंस होगा कि थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाएगा, यहाँ से लाइट थोड़ा कम निकलेगा, थोड़ा धुंधला दिखेगा, लेकिन इमेज बनेगा वहाँ पे। ठीक है, और यही था इसमें, और कुछ ज़्यादा है नहीं। क्वेश्चन नंबर टेन, तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो ऑब्जेक्ट का साइज दिया है, एच इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, माइनस होगा यू, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एफ भी दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और एफ इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ अ रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो पोजिशन मतलब भी निकालना है हमें, साइज एच डैश निकालना है, और नेचर, नेचर मतलब एम निकाल के नेचर बताना है, एम का साइन देख के बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। बाइलेंस फॉर्मूला, अगर आपको आता है तो ये वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद से कर लीजिए। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा V। और क्या पूछा था इसमें, एच डैश निकालना है। तो एच डैश निकालने के लिए M इक्वल टू V बाई यू पहले करेंगे, 50/3/U मतलब -25, तो ये कट जाएगा 2 से, तो -2/3 आ रहा है ये। तो M चूंकि नेगेटिव है, इसका मतलब नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है, और एच डैश चाहिए तो यहीं पे कर देते हैं। हमें पता है m इक्वल टू एच डैश बाई एच, एम का वैल्यू आया -2/3, एच डैश पता नहीं, h पता है 5, तो एच डैश आ रहा है -10/3। ठीक है, तो ये तीन आंसर आया, एक बार पीछे से मैच कर लेते हैं मिल रहा है कि नहीं। चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 10, 16.7। तो इसको डिवाइड करेंगे ना, तो 16.7 आ जाएगा, 16.66 आएगा, तो 16.7 सेंटीमीटर लिख देते हैं हम लोग फ्रॉम द लेंस ऑन अदर साइड। और ये 3.3 सेंटीमीटर, ये क्या आया है, ये आया, इसको डिवाइड करेंगे तो -3.3 सेंटीमीटर आएगा। और जो नेचर बताया गया है वो रियल एंड इन्वर्टेड, और ये चूंकि 1 से
और m का वैल्यू जो आया था ये 1 से छोटा है, ऊपर ऊपर में छोटा है ना, नीचे में बड़ा है, डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटा आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूस्ड या फिर डिमिनिश्ड आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। और देखिए इसी क्वेश्चन में हमें एक रे डायग्राम बनाने के लिए भी बोला गया था, तो चलिए बना लेते हैं एक रे डायग्राम। सबसे पहले हमने बना लिया एक प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे एक हमने डाला कॉन्वेक्स लेंस, बीच में है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, फोकल लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो एकदम स्केल से हम आपके 10 सेंटीमीटर हमें नहीं बनाना है, अप्रोक्स ये हुआ F1, ये हुआ F2, इधर हो गया 2F1 और इधर हो गया 2F2। पेंसिल स्केल से बनाइएगा आप, ठीक है, ये इतना दूर है 10 सेंटीमीटर, ये भी है 10 सेंटीमीटर, ये 20 सब लिखने की जरूरत नहीं है, इमेज गंदा हो जाएगा, कहीं एक जगह 10 लिख दिए काम खत्म। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 25 सेंटीमीटर पे, तो ये तो इतना दूर 10, ठीक है, और ये इतना दूर हो गया 20, और इसके आगे 25, यहाँ पे कहीं प्लेस किया गया होगा ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया बियॉन्ड 2F1, और ऑब्जेक्ट का साइज है 5 सेंटीमीटर, दे देते हैं 5 सेंटीमीटर। इतना चीज़ पता चल गया था, अब आराम से यहाँ डायग्राम बना पाएंगे। एक रे पैरेलल भेजते हैं और हमें पता है वो फोकस से निकलेगा, और हमें पता है ये इमेज कहाँ बनेगा, जब बियॉन्ड 2F1 होता है तो इन दोनों के बीच में कहीं बनेगा। तो इधर से एक लाइट रे पास करवाते हैं सीधा, और यहाँ पे कट हो जाता है ये, ठीक है, यहाँ पे बन गया इमेज, इसको नाम देते हैं AB, इसका नाम हो गया A-B-, उल्टा नाम हो गया ऐसे, AB यहाँ देते हैं AB, यहाँ पे B-A-, उल्टा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। तो यही हुआ इसका रे डायग्राम, ठीक है, आप इसको पेंसिल स्केल से बना लीजिएगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, तो इसको भी मेंशन कर देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ दिया है, इमेज इतना सेंटीमीटर दूर पे बनाता है, तो एफ पता है आपको, भी पता है, हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, मतलब यू निकालना है, ड्रॉ रे डायग्राम कर लेंगे आप, इसको आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप आराम से इस लेंस फॉर्मूले को यूज़ करके इस सवाल को कर सकते हैं। आप इसके लिए ये होमवर्क रहा 11, खुद से कीजिए, और डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ऐसे ये हो जाना चाहिए आपसे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर, इतना पावर दिया है, एफ निकालना है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस, लेंस तो साइन देख के बता सकते हैं, माइनस है तो ये कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस है, और चलिए फोकल लेंथ निकाल देते हैं। तो हमें पता है P=1/F होता है, तो F=1 हो जाएगा 1/P, F=1/P, P कितना दिया था -2, तो F आ जाएगा, तो इसको तो कुछ कर नहीं सकते, -1/2 मीटर में आएगा ये, चाहे तो सेंटीमीटर करने के लिए × 100 कर देते हैं, तो इसको काटेंगे तो 50 सेंटीमीटर, ठीक है, तो और नेचर हो जाएगा इसका, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव है, समझे, कॉनकेव, और ये -50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। लास्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। अ डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर, इतना किसी डॉक्टर ने किसी इंसान को इस पावर का लेंस दिया है, प्लस है मतलब समझ रहे हैं हम लोग, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और फोकल लेंथ निकाल लेंगे आराम से, फाइंड द फोकल लेंथ, तो निकाल ही लेंगे आप, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और इज द प्रेस्क्राइब लेंथ कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग, तो हमने बताइए कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग है ये, ठीक है, तो फोकल लेंथ आप खुद से कर लीजिएगा, ये होमवर्क रहा आपके लिए, कुछ नहीं है करना, चलिए कर ही लेते हैं, कुछ टेंशन तो नहीं है। F=1/P मतलब 1/1.5, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 10, 2, 3, तो F आ रहा है 2/3 मीटर, सेंटीमीटर में करना चाहे तो 200/3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको आप चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, तो आएगा 66.67 सेंटीमीटर। तो यही है फिर ये सवाल का आंसर ये, और यही था लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपके लिए होमवर्क रहेगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन, आप खुद से कर लीजिएगा इसको, और कोई भी डाउट आता है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको वहाँ पे हेल्प कर देंगे, ठीक है, वैसे आपसे ये हो जाना चाहिए खुद से ही। चलिए फिर अब देख लेते हैं क्या क्या आपको अंडरलाइन करना है इस पार्ट से, और कैसे नोट्स बनेगा। चलिए तो ये देखिए, आज की क्लास हमने स्टार्ट किया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से, यहाँ से कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना है, सीधा आते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन पे, ठीक है, बेंडिंग ऑन लाइट को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, इसको अंडरलाइन कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये रहा रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब,
ये डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको, और किसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, किसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, किसको इमर्जेंट रे बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब बात आपको पता होना चाहिए। और ये दोनों क्यों पैरेलल होता है उसका रीज़न यहाँ पे है इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है जब लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है, तो इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है दो ठो, दूसरे वाले को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। फिर हमने समझा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। अगर एक मीडियम एयर है तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, एयर या फिर वैक्यूम हुआ तो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग सिर्फ सिंपल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का अगर दिया हुआ है तो उस सेंटेंस का मतलब क्या है वो हमने यहाँ पे समझा। यहाँ पे हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वो याद होना चाहिए आपको। फिर हमने समझा ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ये रेयर मीडियम का मतलब हम लोग ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोलना चाह रहे थे यहाँ पे, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चंस था हमने कर ही लिया। फिर हमने ये चार्ट किया लेंस, लेंस में आपको ये अंडरलाइन करना है कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस का बारे में ये। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है वो हमने देखा, अपर्चर क्या होता है वो देखा हमने। प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये कॉन्वेक्स का है और ये नीचे वाला कॉनकेव का है। फोकल लेंथ क्या होता है वो हमने यहाँ पे देखा। फिर इमेज फॉर्मेशन, वीडियो देखने के बाद एक बार आप खुद से इस सब रे डायग्राम को एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, और इससे मैच कीजिएगा कि सब मैच हो रहा है कि नहीं, समझ समझ के प्रैक्टिस करना है। सिमिलरली कॉनकेव का केस में भी आपको करना है। यहाँ पे तीन हथियार दिया गया है, कुछ देखना नहीं है यहाँ से, ये सब डायग्राम है। फिर साइन कन्वेंशन समझ में आ गया तो कुछ यहाँ से रटना नहीं है बस। फिर ये था हमारा लेंस फार्मूला, ये है मैग्नीफिकेशन के बारे में कुछ कुछ बात। यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं लिखा हुआ है एम का वैल्यू के रिगार्डिंग, कि एम का वैल्यू वन से बड़ा हुआ तो क्या होगा, वन के बराबर हुआ तो क्या होगा, छोटा हुआ तो क्या होगा, एम का साइन अगर प्लस आया तो क्या होगा, माइनस आया तो क्या होगा, जो हम वीडियो में बताए हैं उससे आपको नोट करना होगा वो सब बात, ठीक है। फिर ये दो न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे कर ही लिया। पावर ऑफ लेंस के बारे में इतना चीज़ आपको अंडरलाइन करना है यहाँ से और यहाँ से ये सब चीज़, ठीक है, बस इतना चीज़ का नोट्स बनाइए आप। तो इतना ही है फिर आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, काफ़ी मेहनत लगा ये वीडियो बनाने में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके भी बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कोई डाउट हुआ तो बेझिझक भी कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको आने वाले दिनों में और भी क्लास 10 के नए नए कंटेंट देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारा कंटेंट बन भी चुका है, उसको जरूर देखिए, आपको जरूर वहाँ से फ़ायदा पहुँचेगा। चलिए फिर एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।